आज मैं जिनके सामने बैठा हूँ वो है डॉक्टर जाकिर नाइक। 1965 में आपकी पैदाइश हुई। जी हाँ, 18 अक्टूबर। 18 अक्टूबर मेरी भी है। बचपन का जो जाकिर नाइक था वो कैसा था? शरारती था। डॉक्टर साहब, आप जो माहौल में आए, इसका क्रेडिट आपकी वालदा को जाता है या वालिद को जाता है? अगर क्रेडिट जाता है डॉक्टर इस्राहिम। यजीद के मसले पे मैं लाना चाह रहा हूँ आपको। ये जो कॉन्ट्रोवर्सी थी उसका जवाब तो पूरा मैंने मुकम्मल दे चुका। जरूरी का नादिर ली से सुने। कभी ऐसा कोई सवाल जो आप भी सोचने पे मजबूर हो गए हो कि यार इस बात का क्या जवाब? सबसे पॉपुलर इंसान जिसको मैं डिबेट किया हूँ, विलियम कैंपबेल, उनने तकरीबन 38 साइंटिफिक एरर्स निकाले कुरान में। इसका जवाब मेरे पास नहीं। सबसे टफ आपको या इंटेलिजेंट कौन लगा? वो है शीशी रवशन, उस टाइम नंबर वन पे थे। अब इंडिया जाना आपके लिए पॉसिबल है या नहीं? उनके लिस्ट में तो नंबर वन टायर है जाकिर नाइक, वापस जाने के चांसेस तो नहीं है। बड़े तादाद में गैर मुसलमान अगर इस्लाम से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल करते हैं तो मैं उनके लिए टेररिस्ट ही बन गया ना। वो बांग्लादेशी बम वाला भी आपके निशान दिया। लेकिन जाकिर नाइक के लेक्चर देख के वो नो टेरिस्ट है। मोदी साहब को कोई मशवरा देंगे? सबसे बड़ा खिलवाड़ उन्होंने किया जो कश्मीर की आजादी उसको हटा दी। दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव घर किसका है? मुकेश अंबानी का। उसकी प्रॉपर्टी किसकी है? वक्फ बोर्ड की। अभी मुसलमान को जागना चाहिए। अगर एक मस्जिद हमारी बाबरी मस्जिद गई, अगर ये अमेंडमेंट बिल पास हो गया तो हजारों मस्जिद जाएंगी। अगर आप नहीं जागेंगे आज, अल्लाह आपको दोषी ठहराएंगे। जब शाहरुख खान आपसे मिलते हैं तो किस चीज पे बात करते हैं? क्या इम्पोर्टेंट है रखना? पाकिस्तान का बात। मैं हूँ नादिर अली। दीन की तबलीग करके किया पूरी दुनिया को लाइक। आज मैं जिनके सामने बैठा हूँ वो हैं डॉक्टर जाकिर नाइक। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। ड्रीम कम्स ट्रू। डॉक्टर साहब, आप बिलीव करें कि मैंने जब पॉडकास्ट फॉर्मेट को शुरू किया तो कुछ मैंने टिक मारे थे नामों को कि ये मैं अल्लाह करे एग्जीक्यूट हो जाए। आपका नाम सरे फहरिस्त था और आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। मोमेंट है ये मेरे लिए। थैंक यू सो मच, आपने इतने कम शॉर्ट नोटिस पे हमारी आपने इनविटेशन को कबूल किया। आप बहुत मसरूफ़ थे और आपने अपनी मसरूफियत से टाइम निकाला और मैं उड़ के 6 घंटे की फ़्लाइट लेके डायरेक्ट मैं आपके पास आया हूँ आज। बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, खैरियत से हैं? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल। हम इंग्लिश में बात करेंगे या उर्दू में, जो भी आपको पसंद। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम बिल्कुल बचपने से शुरू करेंगे। 1965 में आपकी पैदाइश हुई, जो कि विकिपीडिया बताती है, सही है? जी हाँ, 18 अक्टूबर। 18 अक्टूबर। अच्छा, इत्तफाक से 18 अक्टूबर मेरी भी है। 92 जी, 18 अक्टूबर। 1965 में आपकी पैदाइश हुई है मुंबई में और बॉर्न एंड रेज वहीं के आप। और आप थोड़ा सा बताइए मुझे कि बचपन का जो जाकिर नाइक था, जो छोटा सा बच्चा था, वो कैसा था? शरारती था, शाय था, इंट्रोवर्ट था, एक्सट्रोवर्ट था, क्या था? अल्हम्दुलिल्लाह, बचपन में आप मुझे कह सकते थे कि मैं शरारती था, अल्हम्दुलिल्लाह। साथ साथ अक्सर लोग जानते हैं कि बचपन से मैं हकलाता हूँ। अच्छा। अगर कौन मुझसे पूछता था कि मेरा नाम क्या है तो मैं कहता था मेरा नाम है दा 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 जाकिर। तो बचपन में अकलाता था और पूरे स्कूल की ज़िंदगी में हमारे स्कूल सेंट पीटर्स हाई स्कूल में एक सब्जेक्ट होता था पब्लिक स्पीकिंग या स्पीकिंग होता था, तो उसके अंदर टीचर्स मुझे PF देते थे, पास फेल। कह सकते थे कि मुझ पे तरस खा के, क्योंकि बात करने में तो मखलाता था, तरस खा के मुझे PF देते थे। तो बचपन से मखलाता था और स्कूल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से मैं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में वो सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट मुझे पसंद था और उसके अंदर हमेशा अक्सर मुझे अवार्ड मिलता था बेस्ट इन मैथमेटिक्स थ्रू आउट माय लाइफ। एंड ऑफकोर्स हमारे स्कूल के अंदर हायर स्टैंडर्ड के अंदर देयर वर टू सेक्शन, वन वाज ऑल्टरनेटिव 1, ऑल्टरनेटिव 2। तो IGCSE जो हमारा बोर्ड कैम्ब्रिज बोर्ड था पहले, बाद में इंडिया में शिफ्ट हो गया, तो उसके अंदर 8th, 9th, 10th आखिरी 3 साल में
ऑल्टरनेट वन ऑल्टरनेट टू होता था. ऑल्टरनेटिव वन मतलब हायर लेवल ऑफ साइंस एंड मैथ्स, एंड ऑल्टरनेटिव टू मतलब लोअर लेवल ऑफ मैथ्स एंड साइंस. सो मैं ऑल्टरनेटिव वन में था और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्कूल दो एक प्रोटेस्टेंट स्कूल थी, क्रिश्चियन स्कूल थी मुंबई में, मुंबई में, लेकिन उसके अंदर 80% से ज़्यादा माशाल्लाह मुसलमान पढ़ते थे. सही. तो हमेशा बचपन में जहाँ तक के स्टडीज़ का सवाल था, अल्लाह के फजल से काफ़ी मैं आगे था जहीन था. लेकिन स्पोर्ट्स में हमेशा स्पोर्ट्स के अंदर एवरेज था. तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं एक बार रेस जीतना चाहता, रेस जीतना चाहता था स्कूल के अंदर. राइट. लेकिन अल्लाह की मर्जी थी, स्कूल लाइफ में कभी भी नहीं जीता. लेकिन जब कॉलेज लाइफ में मैं गया तो एक मुसलमान दोस्त ने, मैंने ऐसा पूछा कि ये 10 किलोमीटर रेस का हाईएस्ट रिकॉर्ड क्या है, तो हंसने लगा मुझ पर. रिकॉर्ड पूछ रहे, चल के दिखाओ, भागने की बात दूर है. और कौन मुझे जब चैलेंज करता है तो मैं हमेशा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ, बट नेचुरली सीन द सिचुएशन, नॉट एनी इलॉजिकल चैलेंज. तो मेरे पास एक हफ्ता था वो रेस में दौड़ने के लिए. और कॉलेज ये मेडिकल कॉलेज की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह की वजह से 10 किलोमीटर मुझे गोल्ड मेडल मिला. मिला? जी हाँ, 10 किलोमीटर में गोल्ड मेडल. वाह. एंड देन आई वेंट ऑन द स्टेट लेवल. सो आई वॉज मोर ऑफ अ लॉन्ग डिस्टेंस रनर इन माई कॉलेज डेज, दूर की दौड़ जिसके अंदर स्टैमिना इज रिक्वायर्ड, नॉट शॉर्ट डिस्टेंस. माई सन फारिक इज मोर शॉर्ट डिस्टेंस रनर, इज अ स्पोर्ट्स मैन. तो जहाँ तक के एथलेटिक्स में था, वो मेरी ख्वाहिश थी स्कूल में, लेकिन अल्लाह ने उसे पूरी किया इन द कॉलेज लाइफ. एंड स्पोर्ट्स के अंदर ऑफकोर्स आई यूज टू लाइक फुटबॉल. द स्पोर्ट्स आई नेवर यूज टू लाइक वॉज क्रिकेट. आई फील क्रिकेट वॉज अ वेस्ट ऑफ टाइम. क्रिकेट में तो हमारी पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो स्पोर्ट्स है वो क्रिकेट है. टीवी टूटते हमारी मैडम एक बात बोलती थी कि क्रिकेट में दो लोग खेल रहे हैं बाकी 9 लोग खड़े हुए देख रहे हैं. ये अजीब गेम है लेकिन बड़ा मशहूर है इंडिया पाकिस्तान में. इंडिया पाकिस्तान में बहुत मशहूर है, लेकिन मेरे लिहाज से इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम. वेस्ट ऑफ टाइम. उसमें जहाँ तक कि एक्सरसाइज काफ़ी कम है कंपेयर टू द अदर स्पोर्ट्स. फुटबॉल इज गुड. फुटबॉल है, हॉकी हो, वॉलीबॉल हो, बास्केटबॉल हो. सही. उसके अंदर हम जरा दिमाग एक्टिविटी. मैं अभी अपनी टीम से बोल रहा था, मैंने कहा माशाल्लाह देखें यार डॉक्टर साहब दुनिया में भी जन्नत में रह रहे हैं, इंशाल्लाह आखिरत में भी जन्नत. दुनिया में भी इतनी खूबसूरत जगह है कि ग्रीनरी और पुत्रा जाया, इतनी प्यारी जगह है आपने जो चूज़ की है. इंडिया से हिजरत करनी पड़ी. इंडिया याद आता है आपको? इंडिया ऑफ कोर्स. ओवरऑल तो जो अल्लाह ताला ने जो प्लान किया मकरूम मकबूल खैर माफ़िन, अल्लाह सबसे बेहतरीन प्लानर है. तो इंडिया को छोड़ने का अफसोस तो हुआ पहले, फिर हम यहाँ आए, काफ़ी फ़ायदे हुए, काफ़ी ओवरऑल. लेकिन जो मिस करते हम इंडिया में, वो जो दावत हम बड़े खुले मैदान में आम करते थे, 10-10 लाख लोगों का रश. जी हाँ, मुसलमान गैर मुसलमान के साथ. और गैर मुस्लिम तकरीबन 25% 20-25% रहते थे. तो अगर मजमा होता था लाख का तो उसमें से 25% होते थे, 25,000 होते थे गैर मुस्लिम. तो मजमा 5 लाख का होता था, बहुत बड़ी बात होते थे. मजमा 1 मिलियन का भी, 10 लाख का, तो उसमें से 2.5 लाख पता चला, 2.5 लाख गैर मुस्लिम होते थे. तो वो जो मंजर है, इंडिया के अलावा सिर्फ 2 या 3 मुल्क में और हो सकता है. अच्छा, हो सकता है इंडिया की टक्कर का इतना बड़ा मजमा. कहाँ? एक वो तो पाकिस्तान में, बिल्कुल ठीक है. एक वो सदा बांग्लादेश में, ठीक है. और एक इंडोनेशिया में, बिल्कुल तीनों सही नाम लिए. और अभी तक के मैं पाकिस्तान जब गया था उस टाइम तो मैं टक्कर तकरी नहीं करता मुकर थाने में. पहले बार पब्लिक स्पीच जो छोटे लेवल के ऊपर मेरे ऑर्गेनाइज में 1992 में दी थी, पब्लिक में 1994 में दी थी, 1993-94 में. और फिर बांग्लादेश जाने का मेरा प्रोग्राम बना था 2 बार. एक बार जब डॉक्टर इसम शहीदीदाद के साथ, वो मुझे ईयर याद नहीं, लेकिन आप अभी तक बांग्लादेश नहीं गए? अभी तक गया नहीं. तो 88 था या 92 था ऐसा कुछ,
दीदा साहब जाने वाले थे तो मैंने भी विदा लगा दिया, विदा लग गया, वो ट्रिप कैंसिल हो गया तो मैं गया नहीं। फिर 2013 की बात है कि मैंने वीज़ा लगाया था रियाद से, फिर वहाँ से इंटेलिजेंस की खबर आ गई मजमा बहुत बड़ा होने वाला है, अभी हालात सही नहीं है तो आप पोस्टपोन करें तो बेहतर है, तो 2013 में भी वीज़ा लग गया और कैंसिल हो गया। पाकिस्तान का ऐसा सवाल आपने पूछा, पाकिस्तान आए वो कह चुके, कब आए, एक बार आ चुका, अब कब आए। नेक्स्ट प्लान मेरी हुई थी जब मैं हिजरत किया 2016 में हिजरत किया, यस मेरा मौका तो हो सकता है कि अभी वो कुछ महीने बाद वापस जाऊँ, एक साल बाद, दो साल बाद, तो जब 3-4 साल बाद पता लग गया कि अभी जाने के तो चांसेस नहीं है इंडिया इंडिया, तो मैं डिसाइड किया अभी पाकिस्तान जा सकता हूँ। तो 2020 के स्टार्टिंग में या 2019 के एंडिंग में जब डिसाइड किया कि अभी इंडिया जाने के चांसेस तो बहुत कम है, अभी पाकिस्तान जाने में कोई हर्ज नहीं, पाकिस्तान में तो वेलकम करेंगे, काफ़ी दावत है, काफ़ी लोग जानते हैं जितने। सर एक सवाल बनता है मेरा जी, और ये इंडियन ऑडियंस जो संजीदा ऑडियंस है उनसे भी सवाल है कि एक ऐसा शख्स जो कि मैं समझता हूँ कि इस उम्मत में इस टाइम इंटरनेशनली कंपैरेटिवली रिलीजन्स को इतना अच्छा समझते हैं, जो शायद जिसकी मिसाल ना मिलती हो इंडिया में, मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि क्यों नहीं आप जा सकते, आपका घर है, मतलब आप मक्का में हैं और आपको पता चल रहा है कि इंडिया में ये हो गया और आप मक्का से जाते ही नहीं अपने घर और आप मलेशिया शिफ्ट हो जाते हैं, ये थोड़ा सा इस चीज़ को बताएं, ये क्या था पाकिस्तान आने की गुमानियत नहीं थी पहले, पाकिस्तान आने के लिए पाकिस्तान वीज़ा मिलना मुश्किल है, लेकिन मेरे लिए बहुत आसान था, सब लोग जानते, मेरे वालिद भी जानते, तो पाकिस्तान वीज़ा मिलने तो मेरे लिए तो एक फ़ोन कॉल था, ठीक है, तो मुमानियत तो थी नहीं, जाना चाहता तो जा सकता था और मैं 91 में गया था, लेकिन जो मैं दावती काम कर रहा था तो इस्लाम का उसूल है, शरिया का उसूल है, लेट अ स्मॉल लॉस टेक प्लेस टू प्रिवेंट अ बिग लॉस, एक छोटी जो छोटे नुकसान को उठा लो बड़ी नुकसान को बचाने के लिए। अगर मैं पाकिस्तान जाता था तो हो सकता मैं इदारा बंद हो जाता था, तो कुछ इल्ज़ाम लगाते थे कि ISI के साथ जुड़ा हुआ है, जी जी, तो वो डर के वजह से मैं नहीं गया, ऐसा मैं तो पाकिस्तान में से मोहब्बत करता हूँ, बाहर जब जाता था मैक्सिमम दुनिया में अगर कोई भी एम्बेसडर से मिला वो पाकिस्तानी एम्बेसडर, जो भी मुल्क में जाता हूँ तो ग्रेट चांसेस, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, UAE हो, बहरीन हो, गल्फ कंट्री हो, फॉरेन किधर भी जाते थे तो पाकिस्तानी एम्बेसडर से तो मुलाकात होती थी, कहाँ ना कहाँ मिलने आ जाते, और पाकिस्तानी लोग से तो मोहब्बत थी, लेकिन एहतियातन मैं खुद माहौल जब देखा तो इसीलिए खुद मैंने आप नहीं किया। अब लेकिन क्या चांसेस हैं डॉक्टर साहब इंडिया के वापसी के? तो इसीलिए 2019 में जब मेरा इरादा हो गया कि वापस जाने के चांसेस तो नहीं है, तो मैंने कहा अभी पाकिस्तान जा सकते हैं हम, तो मेरी प्लानिंग थी 2020 में एंडिंग में आने की पाकिस्तान, और मैं लोग से कॉन्टैक्ट किया तो पूरा हो गया था प्लान, तो ये 2020 के स्टार्टिंग में प्लान हुआ, और बड़े बड़े जो गवर्नमेंट के लोग सब अग्री किए, लेकिन आ गया कोविड, कोविड आ गया तो कोविड आने की वजह से ये पोस्टपोन हो गया, और नॉर्मली प्लानिंग रहती है काफ़ी, मेरी जो कंट्री से इन्विटेशन रहते तो प्लानिंग रहती, तो वो उसके वजह से 2020 में फिर कैंसिल हो गया, कोविड था 2020 मार्च के अंदर पूरा लॉकडाउन हो गया, फिर 21 में तो कोई लेक्चर टूर हो नहीं, फिर अपनी लेक्चर टूर शुरू हुई 2022 में, 21 में मलेशिया में शुरू किया लेक्चर देना में, लेकिन इंटरनेशनली 2020 से शुरू और अभी वापस खुल गया, तो अब आपका है इरादा? जी अभी तो इरादा है, इन्विटेशन वापस से आने लगी और 2020 में आप आने वाले थे। सर मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप आ जाएंगे, मेरा दिल कह रहा है, अभी इन्विटेशन हाल में आ गए तो इंशाल्लाह, लेकिन अभी फिर से वो हालात जो होते पाकिस्तान में, ये प्रोटेस्ट हो रहा है, वो प्रोटेस्ट हो रहा है, तो वो डेट का ज़रा इंशाल्लाह अल्लाह चाहो तो मैं चाहता हूँ कि इस साल आए इंशाल्लाह होपफुली, दुआ करिएगा मौजूद का तीन हज़रात आप लोग भी डॉक्टर साहब पाकिस्तान आए। डॉक्टर साहब मेरा सवाल वहीं रह गया, अब इंडिया जाना आपके लिए पॉसिबल है या नहीं है? इंडिया जाना तो एकदम आसान है, बाहर निकलना मुश्किल है। जाना तो इन्होंने रेड कार्पेट देगी, जाओ भाई आओ,
अच्छा अंदर आओ जेल में बैठो, अरेस्ट कर लेंगे वो, जाहिर है। अच्छा उनके लिस्ट में तो नंबर वन टायर है जाकिर नाइक की। अगर मैं बड़े तादाद में गैर मुसलमान अगर इस्लाम से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल करते हैं, अल्लाह उनको हिदायत देता है, तो मैं उनके लिए टेररिस्ट ही बन गया ना। हालांकि काफ़ी इल्ज़ाम लगा लेकिन अल्लाह की मदद से एक भी इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ माशाल्लाह। जी जी जी, वो बांग्लादेशी बम वाला भी आपके खाते में डाल दिया था, उससे शुरू हुआ। उसके पहले तो कोई प्रॉब्लम था नहीं मुझे, लेकिन बांग्लादेश के अंदर 1 जुलाई 2016 में एक धमाका हुआ, एक टेररिस्ट अटैक हुआ जिसमें 4 या 5 टेररिस्ट इन्वॉल्व थे और कोई 21-22 फॉरेनर की मौत हुई। उसके अंदर एक जो टेररिस्ट था वो मेरे फेसबुक का फॉलोअर था। अंदाजा बांग्लादेशी न्यूज़पेपर एक 3 जुलाई को इन्फॉर्मेशन दी कि वन ऑफ द टेररिस्ट वॉज द फॉलोअर ऑफ डॉक्टर जाकिर नाइक ऑन द फेसबुक। इंडियन मीडिया ने उसको ट्विस्ट की जी और बोले ही वॉज इंस्पायर्ड। एक फॉलोअर होना अलग होता है और एक इंस्पायर्ड, मैं मुतासिर होके टेररिस्ट एक्ट करना अलग होता है और एक फॉलोअर होना। तासुर दे दिया कि आपका साथी है। हाँ लेकिन जाकिर नाइक के लेक्चर देख के उसने वो टेररिस्ट अटैक किया इनडायरेक्ट। तौबा है। तो इंडिया मीडिया में और उस टाइम वो हफ्ते में अल्हम्दुलिल्लाह मैक्सिमम सर्च नेम इन द वर्ल्ड वॉज जाकिर नाइक। आप गूगल के ऊपर जाकिर नाइक एवरी डे अबाउट 40-50 न्यूज़ पेपर में और इंडियन न्यूज़ पेपर तो मुझे ओवर नाइट सर बिकते हैं। गवर्नमेंट ने मुझे और फेमस बना दी तो इसीलिए मैंने कहा उनको, मैंने कहा जज़ाकअल्लाह जज़ाकअल्लाह। और जज़ाकअल्लाह मतलब अल्लाह उनको जजा दे। जो लोग अरबी जानते हैं वो समझ गए मैं क्या चाहता, मैंने क्या कहा। इंग्लिश में थैंक यू भी कहा, नो प्रॉब्लम। लेकिन एक जज़ाकअल्लाह अलग होता है और एक जज़ाकअल्लाह खैर अलग होता है। जज़ाकअल्लाह मतलब अल्लाह उनको जजा दे जैसा किया, अच्छा का अच्छा बुरा का बुरा। वाह। इसलिए अगर मैं कोई मुसलमान अगर अरब से कहूँगा जो अरबी जानता है और इस्लाम जानता है जज़ाकअल्लाह, बोले क्या गाली दे रहे मुझे क्या। गाली भी हो सकती, हाँ। गाली है नहीं, हो सकती है, लेकिन क्या मैंने कुछ गलती किया। तो जज़ाकअल्लाह मतलब अल्लाह उनको जजा दे। तो अगर कोई गलत काम किया उसके लिए भी हो सकते। तो सही में अगर किसी को आप शुक्रिया अदा करना चाहते होना चाहिए जज़ाकअल्लाह खैरन, अल्लाह आपको जजा दे आपके अच्छे काम का। बिल्कुल सही है, दुरुस्त। तो एक बात है कि मोदी से मुझे बहुत फ़ायदा भी हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। हिज्रत की इज्जत नहीं करता था मैं, हिज्रत करने से बहुत फ़ायदा हुआ। अल्लाह ताला का ये प्लानिंग है, अल्लाह ताला जो प्लानिंग करता है तो जो लोग इस्लाम के दुश्मन हैं तो उनसे भी बहुत से अच्छे काम करवा लेते हैं। मोदी साहब को कोई मशवरा देंगे? उनको तो बहुत मशवरा दे दिया मैंने। क्या कहेंगे मोदी साहब इस टाइम इंडिया के लिए कैसे हैं आपके नज़दीक? क्या अभी तो 10 साल तो बहुत रूल किया, अभी ये इलेक्शन के अंदर ज़रा उनकी पॉपुलैरिटी कम हो गई। हुई है? बहुत कम हो गई कंपेयर टू बिफोर। उन्होंने कहा था, उनकी पार्टी ने और वो खुद कहा कि हम 400 पार करेंगे, 543 सीट से 543 सीट से उनको 400 से ज़्यादा मिलने वाले थे। अल्लाह की मदद से 50% भी नहीं मिले उनको। पहले इलेक्शन में 50% से ज़्यादा मिले थे, 52-53% विद कोएलिशन हो गए थे। फर्स्ट इलेक्शन 2014 की बात कर रहा हूँ मैं डायरेक्ट। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी पार्टी अकेले 50% क्रॉस की, 54 या 55% एंड विद कोएलिशन 59 हो गई थी। 2019 में अकेले उनकी पार्टी 58% 59 हो गई, विद कोएलिशन कुछ 64-65 के ऊपर हो गई। तो इस टाइम बोले अकेले बीजेपी 400 पार मतलब ओवर 2/3 मेजोरिटी अलोन बीजेपी, नॉट द कोएलिशन। तो 50% मिलने के लिए 272 उनको मिले, कुछ उससे कम मिले, 250 ऐसे कम मिले उनको, और कोएलिशन के साथ वो 50% क्रॉस कर लिए तो फिर से प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन वो जो उनका रौब था जो बढ़ गए थे और लोगों ने खुदा मानने लगे वो भी कम हो गया। इसीलिए जब उनके पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होती और अगर कोएलिशन के साथ 2/3 होती कुछ भी कर सकते, सही मनमानी कर सकते, कॉन्स्टिट्यूशन से खिलवाड़ कर सकते। और सबसे बड़ा खिलवाड़ उन्होंने किया वो 370 आर्टिकल को उन्होंने बैन कर दी, निकाल दी, और कश्मीरी जो कश्मीर की आज़ादी उसको हटा दिया। और उस वक्त ये चल रहा था जब 370 निकालने के पहले कुछ महीने पहले उनने अपने
एक सबॉर्डिनेट, एक एमिसरी इंग्लिश में बोलते, एक आदमी को भेजा मुझे मिलने के लिए मलेशिया में। तो मिलना चाहते थे, मैं बोला कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमने 5-star होटल में मुलाकात की इधर मलेशिया में, पुत्रजाय में। मैंने बोला आपको कौन भेजा है? तो बोले डायरेक्ट मुझे मोदी जी और अमित शाह ने भेजा, प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर ने। ये कभी की बात है, 2018 जब ये 370 आर्टिकल निकला कश्मीर का, उसके कुछ महीने पहले, सही 18 था या 2018 तकरीबन, या 19 जो भी था। तो क्या बात हुई इस पर? उन्होंने कहा कि हम आपके हमारे बीच में दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग हटाना चाहते। सही। तो मैंने कहा मेरे हिसाब से अगर मुझे कोई दुनिया में मेरे फैमिली के बाद अच्छी तरह से जानता है, आपकी इंटेलिजेंस है, मेरे फैमिली के बाद अगर मुझे कोई एकदम गहराई से जानता है वो आप लोग हैं। मेरी जिंदगी तो एक ओपन बुक है, खुली किताब है। वो अलग बात है कि आपको मेरे काम पसंद नहीं आते, लेकिन मैंने कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन का एक भी हिस्सा, आई हैव नॉट ब्रोकन एनी लॉ ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। वो पैचअप करना चाह रहे थे आप लोग? हाँ बिल्कुल सही। तो बात तकरीबन हुई 5-6 घंटे तक। अच्छा। लंच भी किया अपने साथ में। तो बोले नहीं आप इतने मशहूर है, हम आपके साथ होना चाहते, हम चाहते आपको एकदम वापस इंडिया बुलाए, एकदम पूरे विथ फुल, आप इतने मशहूर, आप इतना अच्छा काम कर रहे, आपकी नॉलेज क्या है दिन के बारे में, आप हिंदुज्म की नॉलेज रखते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। तो मैं बोला आप चाहते क्या है? बोले कुछ नहीं, हम चाहते ट्रैप तो नहीं था डॉक्टर साहब के, आए तो पकड़ लो अल्लाह वालों। अच्छा। तो मैंने बोला कि आप चाहते क्या है? नहीं हम सिर्फ चाहते हैं कि हमारे ताल्लुकात अच्छे हो गए। तो मैं उन्हें साफ कहा कि देखो आप अगर मुझसे कुछ काम लेना चाहते हैं, मैं मेरे देश के लिए मुल्क के लिए काम करने को तैयार हूँ। मेरी दो शर्तें। एक शर्त है जो आप मुझे कहेंगे वो कुरान और हदीस के खिलाफ नहीं होना चाहिए, नंबर वन शर्त। अल्लाह और अल्लाह के रसूल टीचिंग के खिलाफ नहीं होना चाहिए। वाह। और नंबर टू मुझे आपके पैसे की जरूरत नहीं। अगर ये दो शर्त पूरी हो जाती, आप जो मुझसे काम लेना चाहते, मैं मेरे मुल्क के लिए हाजिर हूं। फिर तो बोला वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। तो गुफ्तगू हुई, काफी गुफ्तगू हुई। आप चाहते क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं, हम कोशिश करेंगे अभी आपको वापसी आने के लिए। उस वक्त तो कुछ कहा नहीं, लेकिन एकदम पैचअप कर लिया ऐसा कि भाई अभी हम विद इन कपल ऑफ मंथ आप वापस आ सकते, मुझे उम्मीद तो थी नहीं। मैं बोला अगर आप, फिर मुझे कहने लगे वो आदमी शख्स जो आया था उधर से दिल्ली से, कि हम चाहते हैं कि आप हमारी गवर्नमेंट को सपोर्ट करो कश्मीर इशू पे, कि जो हम 370 आर्टिकल को निकाल रहे वो सही है। तो मैंने कहा ये तो नामुमकिन है, मैं मेरे मुसलमान भाइयों के साथ गद्दारी कर ही नहीं सकता। जो मुसलमान कश्मीर में है उनका हक है फ्रीडम, और जो उन्हें मुआहदा किया है उसके तहत रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आर्टिकल 370 इज़ अ पार्ट ऑफ द, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अंदर दे हैव गॉट फ्रीडम। कुछ चीज़ के अंदर ऑटोनॉमी है, कुछ चीज़ के अंदर वो साथ में इंडियन गवर्नमेंट के है, लेकिन आप अगर कहीं ऑटोनॉमी को निकाल देंगे वो तो जाते हैं उनके ऊपर। इंडिया को इंडिपेंडेंस जब मिला, काफ़ी ऐसे जो पार्ट्स ऑफ इंडिया है द ऑटोनॉमस, इसमें तो मैं कुछ कर नहीं सकती। तो ये तो कुरान के खिलाफ है, हदीस के खिलाफ है, मेरे मुसलमान भाई के साथ गद्दारी है। उनका रिएक्शन? तो नहीं नहीं ऐसा मत, वैसा कुछ देखो मेरा आउट ऑफ द क्वेश्चन। हाँ ये बोल सकता हूँ क्या गलत हो रहा है ये बोल सकता हूँ क्या गलत हो रहा है, एंड आई एम टोटली अगेंस्ट इट। ठीक है, उनका स्टाइल था, ये बीजेपी गवर्नमेंट का स्टाइल है कि मुसलमान को अगर जो चाहते हैं अपने काम कराने के लिए, चाहे उलमा हो, चाहे बिजनेसमैन मुसलमान हो, कोई भी हो या अगेन मुस्लिम हो, वो पहले आके प्यार से बात करते हैं, फिर कोशिश करते पैसे दे के खरीदने की, नहीं खरीद जाता धमकी देते अंदर कर लेंगे। ये उनका फॉर्मूला है, प्यार से करके तारीफ करो हम तुमको फ़ायदा देंगे, नंबर टू पैसे दे के खरीद। अक्सर ये पहले दो में अक्सर लोग मान देते, तीसरा है नहीं करेंगे तो हम ईडी की रेट डालेंगे, इनकम टैक्स की रेट डालेंगे। तो मेरे साथ तो सब कुछ कर लिया उन्होंने, मुझे प्रॉब्लम ही नहीं, पुलिस भेजे, ईडी भेजे, ये भेजे, नंबर वन टेररिस्ट कह दिया। तो मैं थैंक यू बोलता, अगर लोग मुसलमान में तो काफ़ी लोग अक्सर लोग जानते थे इंडिया में, गैर मुस्लिम में भी जानते थे, लेकिन
मोदी के बाद ये गोदी मीडिया जो है वो जो मुझे हमेशा मीडिया पे आने के वजह से अभी तो माशाल्लाह बहुत स्मॉल परसेंटेज नॉन मुस्लिम इंडिया में होंगे जो मुझे नहीं जानते। नहीं नहीं मुझे नहीं लगता कि नहीं जानते होंगे, बहुत बहुत कम होगी। तो ये उनकी बदौलत है। और उसके बाद लेकिन जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ चाहे मलेशिया में हो या बाहर हो, गैर मुसलमान अब भी मुझसे मोहब्बत करते हैं। उनका मेन प्रॉब्लम था कि जब मुसलमान में लेक्चर में आते वो अलग बात है, लेकिन मुतासर होके वो इस्लाम की जो गलत फहमी दूर हो जाते और काफ़ी लोग इस्लाम भी कबूल करते, तो उसके वजह से उनका नुकसान हो रहा था। वो हिंदुत्व का जो स्टेटमेंट था ना, और फिर बाद में NEC एक्ट आ गया, वो बिल पास हो गया, वो चाहते थे उसके अंदर भी मैं सपोर्ट करूँ, मैं बोला आउट ऑफ द क्वेश्चन। वाह। तो उस टाइम क्योंकि हम वापस उस पहलू पे आते कि वो मेजॉरिटी में थे तो पास कर सकते थे, कर पार्लियामेंट में जाओ कोई ऑपोजिशन ले ही नहीं सकता है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी नहीं है। इंडियन पार्लियामेंट का रूल है लीडर ऑफ ऑपोजिशन होने के लिए आपके पार्टी को कम से कम 10% सीट चाहिए। तो 543 में से 55 सीट्स अगर आपकी पार्टी को मिले तो आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन सकते। 10 साल तक के कोई भी पार्टी को 55 सीट्स भी नहीं मिले तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन था ही नहीं। लेकिन ये इलेक्शन में अभी जो कुछ चंद महीने पहले 2024 में ख़त्म हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कांग्रेस को 99 सीट्स मिल गए और बाकी जो इंडिया का गठबंधन था उन्हें मेजॉरिटी तो नहीं मिला लेकिन क्लोज थे। तो नाउ द ऑपोजिशन इज स्ट्रांग। अभी क्या हो गया, अब जो बोले ना उनका तो दबा और दबदबा मोदी का अभी कम हो गया, हो गया। अभी ये दो मेजर जो पार्लियामेंट के साथ जो खिलवाड़ किया मुसलमानों के साथ और जो पार्लियामेंट में जो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करके जो अमेंडमेंट करके जो मुसलमान पे जबरदस्त बहुत सी चीज़ें किए, ये दो मेन थे। अभी थर्ड करने जा रहे थे कुछ हफ्ते पहले, एक अमेंडमेंट बिल लेके आया उनने, वक्फ अमेंडमेंट बिल। वक्फ तो आप जानते हैं कि एंडोमेंट है, और इंडिया में एक बॉडी जिसके पास सबसे ज़्यादा लैंड है, नंबर वन इज़ द डिफेंस ऑफ इंडिया, नंबर टू इज़ इंडियन रेलवेज, नंबर थ्री इज द मुस्लिम वक्फ बोर्ड। तो मुस्लिम वक्फ की जो जायदाद है जो प्रॉपर्टी है वो 9.4 लाख एकर है। 9.5 लाख तकरीबन 9.5 लाख एकर है बताइए, अने 41 बिलियन स्क्वायर फीट, अने 3,800 स्क्वायर किलोमीटर, कंट्री से ज्यादा है, हमने छोटे छोटे कंट्री जो बाहर उससे बड़ी है। जी 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 जी। तो ये अभी बिल में अमेंडमेंट लेना चाहते हैं, क्या वो बिल के बोर्ड के अब हम नॉन मुस्लिम को रखेंगे, हम गवर्नमेंट को और पावर देंगे। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब पार्टीशन हुआ तो उसको इंडिया को तो डेमोक्रेटिक कंट्री बनाए, लेकिन हमारे जो मुसलमान थे उनने जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कायम किया ये एक फिनोमिनल है। तो इसलिए कोई भी गैर मुस्लिम कंट्री दुनिया की है, इंडिया इज वन ऑफ द बेस्ट और दी बेस्ट कुछ से, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है। वक्फ की प्रॉपर्टी जो है जो मुसलमान ने ड्राफ्ट किए कॉन्स्टिट्यूशन में, ये वफ के जो पॉइंट्स है इज बेटर देन मेनी ऑफ द मुस्लिम कंट्रीज। मुस्लिम कंट्री के जो वफ के पॉइंट्स है वो इंडियन वक्फ बोर्ड और पावरफुल है, इतना महफूज किया गया है ताकि जो हमारे दादा बाप दादा दादा परदादा थे जो डिकेड और सालों पहले 100 साल 150 साल पहले या जो वक्फ किया उसको सिक्योर किए थे, अब ये मोदी गवर्नमेंट उसको हड़प करना चाहता है। थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट है ये वक्फ जो है, इट्स नॉट पब्लिक, वो बाकी तो गवर्नमेंट की है ना, डिफेंस एंड रेलवे, ये तो प्राइवेट है मुसलमान की, यानी अल्लाह के लिए वक्फ किया गया है, इट शुड बेनिफिट ओनली द मुस्लिम्स। तो उसके अंदर वो अमेंडमेंट लेना चाहते हैं अपने पास रखना, ठीक है थोड़े मुसलमानों ने गलती की, थोड़े मुसलमान जो मुतवली है अब पैसा खाए और फायदा लिए, तो फायदा लेने से वक्फ बोर्ड का नुकसान हो रहा है। तो उस आड़ में उसको एक्सक्यूज बना के बोलते हैं हम अमेंडमेंट करना चाहते हैं, अमेंड करे तो ये पूरा हड़प कर सकते हैं, समझे ना। समझ तो कुछ मुसलमान गलत है जो मुतवली है, अपने फायदे के लिए रिश्वत लेते, कम भाव के ऊपर जमीन दे देते ऑन रेंट, और कई बार गवर्नमेंट चीप रेंट पे ले देती। आपको शायद पता नहीं होगा दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव घर किधर है, बम्बई में। ओ कौन किसका है, मुकेश अंबानी का।
अच्छा। वो $2 बिलियन वर्थ है, कोई बोलता है वन, कौन बोलता है वन एंड हाफ, $2 बिलियन मुकेश अंबानी का, मुकेश अंबानी का बताइए, दुनिया में सबसे एक्सपेंसिव हाउस, जो 27 माले की बिल्डिंग है एंटेलर, उसके ऊपर 3 हेलीपैड है, दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव हाउस, उसकी प्रॉपर्टी किसकी है, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी। अच्छा, ये मुस्लिम वक्फ थी, लेकिन वक्फ की कोई मुसलमान ने गड़बड़ किया आएगा, रिश्वत रिश्वत है क्या, मुझे पता नहीं डिटेल्स उसके, उसके ऊपर कोर्ट केस हुआ था, कोर्ट केस होने की वजह से महीनों तक या कई साल तक वो अपने घर में एंटर भी नहीं कर सका, लेकिन अभी वो क्लियर हो गया। अच्छा, आई मस्ट से कि शायद ये जो हिंदू हमारे भाई देख रहे होंगे वो शायद डिसएग्री करें इस बात से, ऐसा नहीं है, और नहीं, नहीं, काफी काफी फेमस ये केस हो गया था। हाँ, वो अलग बात है कि उसके अंदर मुसलमान की गलती तो होगी, उनने कैसा उनको दिया, वक्फ प्रॉपर्टी तो बेच नहीं सकते, वक्फ है ना। हाँ, वक्फ प्रॉपर्टी अप्रेंट कर सकते, ये कर सकते, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि कुछ मुसलमान अपने फायदे के लिए कुछ ना कुछ गलत कर जाते, गलत कर देंगे, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए आप लॉ में तब्दीली ला सकते, इतनी तब्दीली मत लाओ कि आप पूरा हड़प कर सके। तो उनमें बोला अच्छा वापिस से चेक करेंगे वक्फ प्रॉपर्टी, है कहने हम गैर मुस्लिम को बनाएंगे उसका, उसके कमेटी में, गैर मुस्लिम कैसे कमेटी में आ सकता है, फिर कहने लगा कुछ प्रॉब्लम हुआ तो DM और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कर सकता है, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तो वो तो पूरा पॉलिटिकल अपॉइंटेड है, उसका मतलब ये अगर अमेंडमेंट बिल आ गया तो गवर्नमेंट चाहे तो आराम से प्रॉपर्टी हड़प कर सकती। सही है। तो ये मैंने चंद रोज पहले कहा, मेरा जो लास्ट सैटरडे हुआ था, हाँ, अभी क्या है थर्सडे, थर्सडे, तो 4 या 5 दिन पहले मैंने मेरे लाइव Q&A में कहा, आज डॉक्टर जाकिर में, तो अभी इंडिया मीडिया में ऑफिस से आ गया, डॉक्टर जाकिर ने एक भड़कीले बयान दे रहा है, मुसलमान को भड़का रहा है इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ, शुरू हो गया। नहीं, वो डॉक्टर साहब जवाब नहीं मिला मुझे कि जब आपने उनको जवाब दे दिया जो इंडियन ऑफिशियल्स आए थे, तो उनका क्या रिएक्शन था, वो फिर उठ के चले गए नहीं, वो उस टाइम तो बाद में मेरे कॉन्टैक्ट में थे ना, उधर गए तो एकदम अच्छे से गए, अभी आप अभी ग्रीन सिग्नल दे दे, आप वापस इंडिया आ सकते, मुझे तो उम्मीद थी नहीं, लेकिन मैं मेरे मुल्क के लिए जो भी जायज है, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, यस, मोदी ने अगर कुछ प्रॉब्लम किया हो सकता है, जगह से नहीं है, India is in terms of amongst the non-Muslim countries in the world, one of the best. अच्छा, non-Muslim countries. बहुत से Muslim countries से भी अच्छा है. सही. अल्हम्दुलिल्लाह. वो एक अलग subject है. अब India आप नहीं जाएंगे? नहीं, अल्लाह चाहो तो क्यों नहीं? अगर अभी मोदी नहीं रहा और जो next government अगर just रहेंगे तो जरूर जाऊंगा मैं. क्योंकि अभी तक के I have not been convicted. जब Indian government ने file की मेरे खिलाफ court के अंदर, मेरी पूरी property को जब्त कर लिया, तो हमने उनको कोर्ट के अंदर उसके अगेंस्ट पिटीशन फाइल की, तो उसका जज जो था, द चीफ जज ऑफ द ED कोर्ट, उसका नाम था मनमोहन सिंह, वो सिख था, तो उनने जब इल्ज़ाम लगाया था कि टेररिस्ट है, टेररिस्ट बयान देता है, लोग को बोलता है, भड़का ले बयान देता है और टेररिज्म फैलाता है, तो वो जज ने कहा कि आपको शायद पता नहीं, मैंने सैकड़ों जाकिर नाइक के लेक्चर देख चुका हूँ, आप मुझे एक लेक्चर बताओ उनका, डॉक्टर जाकिर नाइक का, इन कॉन्टेक्स्ट उनने टेररिज्म को प्रमोट किया है, और मैं उनके पूरे प्रॉपर्टी के ऊपर जब्त लगाने का ऑर्डर दे दूंगा। सही, सिर्फ एक नहीं, लॉयर चुप हो गया, तो उनने कहा कि आपने डॉक्टर जाकिर नाइक के बयान देखे, तो लॉयर बोला नहीं देखा मैंने, तो आपने जब सुने ने उन पे इल्जाम लगा रहे, कम से कम सुनो तो सही, तो हिस्टोरिकल जजमेंट था, तो उसके ऊपर स्टे आ गया, स्टे आने की वजह से हम उनको बेच नहीं सकते प्रॉपर्टी को, रेंट नहीं कर सकते, लेकिन उसके बाद आपको पता है अगर कोई जज, उस टाइम मोदी का काफी पावर अभी भी है, जुडिशरी है नहीं, इतना ज्यादा तो जुडिशरी भी डरने लगी, आपने बयान उनके, अगर आपने फैसला उनके हिसाब से नहीं किया, आपको ट्रांसफर कर लेते उनके हाथ में, तो इंटरफेरेंस बहुत, ये अभी कम हो गया, तो ये जो आप बोल रहे मोदी का जो पावर है अभी, ये अमेंडमेंट बिल क्या हो गया, जब उनने टेबल किया ऑपोजिशन ने ऑब्जेक्शन लिया, तो पार्लियामेंट हैड टू पुट इट टू अ जुडिशरी पार्लियामेंट, आप समझे ना, और बोले जिसको ऑब्जेक्शन है 13 सितंबर इज डेडलाइन, 13 सितंबर तक जो मुसलमान को बिल पे ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्शन करो, तो ये जुडिशरी पैनल हो गया, तो मैंने मेरे बयान में क्या और एक पोस्ट किया, क्या अभी मुसलमान को जागना चाहिए, अगर एक मस्जिद हमारी बाबरी मस्जिद गई तो इतना हल्ला गुल्ला हुआ, ठीक है हाथ से निकल गई, अगर ये अमेंडमेंट बिल पास हो गया तो हजारों मस्जिद जाएंगी, क्योंकि ये वक्फ प्रॉपर्टी जैसा मैंने कहा
3,800 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा है। इट इज़ 9.5 लाख तकरीबन एकर लैंड है। इसके अंदर हज़ारों मस्जिद है, लाखों होंगी, हज़ारों कब्रिस्तान है, मदरसा है, प्रॉपर्टीज़ है, आराम से हाथ से जा सकती है, कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने कहा मुसलमानों से, अगर आप नहीं जागेंगे आज, अल्लाह आपको दोषी ठहराएगा, आपको और हमको। बेशक, ये हमारा फ़र्ज है। अगर हमारे बाप दादा ने, परदादा ने वक्फ किया है तो हमारे बेहतरी के लिए, और हम सो रहे हैं, हम इसके रिस्पॉन्सिबल है। तो मैंने कहा आप जाके ऑब्जेक्शन रेस करो, और अगर 2.5% मुसलमान भी, हमारी आबादी 210 मिलियन है, 210 मिलियन है, 21 करोड़ अकॉर्डिंग टू PW रिपोर्ट एंड इंडियन रिपोर्ट, अगर 2.5% भी, अगर 50 लाख भी ऑब्जेक्शन किए, 2.5% सिर्फ, तो ये बिल रुक जाएगा। तो क्योंकि मैं मुसलमानों को कह रहा था ऑब्जेक्शन लो, तो ये गोदी मीडिया को आप देखेंगे, अभी शुरू हो गया, मैं कल परसों देख रहा था, ओ डॉक्टर जाकिर नायक इज इंसाइटिंग हेट, व्हाट इंसाइटिंग हेट, मैं हक मान रहा हमारा, इफ़ आई एम ट्राइंग टू गाइड द मुस्लिम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कि आप ये बिल को रिजेक्ट करो, तो ये अमेंडमेंट बिल रुक जाएंगी और मुसलमान का फ़ायदा होगा। डॉक्टर साहब, आप जो माहौल में आए, दीनी माहौल में, इसका क्रेडिट आपकी वालदा को जाता है या वालिद को जाता है, किसको जाता है? वहाँ से वो लोग भी माहौल में थे, या आप निकले हैं घर से और आपने एक लेगेसी कंटिन्यू की है, ये क्या हुआ बताइए? जहाँ तक कि घर का माहौल था, अल्हम्दुलिल्लाह घर का माहौल काफ़ी इस्लामिक था, था, लेकिन वालदेन ने कभी भी हमें फोर्स नहीं किया, कभी भी फोर्स नहीं किया कि भाई नमाज पढ़ो, कहते थे लेकिन कभी ज़बरदस्ती नहीं की। ठीक है। तो हम जब मैं स्कूल में था, तो बचपन से याद है मुझे कि मैं नर्सरी के अंदर या जूनियर के जी में रोज़ा रखा है, लेकिन पूरा महीना मैंने पूरा किया सेकेंड स्टैंडर्ड में, एट द एज ऑफ 7। तो 7 साल की उम्र में सबसे पहली बार मैंने पूरा रमज़ान रोज़ा रखा, उससे पहले एट द एज ऑफ 4 या 5 मैंने 5-10 रखा होगा। और जहाँ तक के नमाज़ पढ़ने का सवाल है, तो मैं मेरे वालदेन को देखता था, तो मैं नमाज़ पढ़ता था, कभी दिन में 2 बार, कभी दिन में 3 बार, कभी दिन में 4 बार, लेकिन कभी वालदेन ने ज़बरदस्ती नहीं करी, लेकिन लोग पढ़ते तो मैं भी पढ़ता था। स्टैंडर्ड 7 या 8 के अंदर है जब मेरे वालदेन की एक सहेली थी, जिसने मुझे कहा कि बेटा आप जब नमाज पढ़ते, 5 टाइम पढ़ते? मैं कभी कभी पढ़ता हूँ, कभी 3 बार, कभी 4 बार, कभी 5 बार। तो उनने कहा कि आप जब नमाज पढ़ेंगे, तो अगर आपने नमाज पूरी असर की, तो अल्लाह से दुआ करो कि आपकी मगरिब मिस ना हो। जब मगरिब की नमाज़ पढ़ेंगे, तो नमाज के बाद दुआ करो कि ईशा मिस ना हो, ईशा की जब नमाज पढ़ेंगे दुआ करो कि फजर मिस ना हो, और फजर के बाद दुआ करो कि जोहर मिस ना हो, जोहर के बाद असर मिस ना हो, ये 40 दिन तक की, अगर उसके बाद आपको अगर जितने बार पढ़ने के पढ़ो। तो मैंने कहा अच्छा इंशाल्लाह 40 दिन तो पूरे करूँगा मैं, 40 दिन करने में क्या है। वाह। तो उस टाइम से अल्हम्दुलिल्लाह, कहते हैं 40 दिन अगर आप नमाज को नहीं छोड़ोगे ना, तो फिर 40 दिन के बाद नमाज आपको नहीं छोड़ेगी, नमाज पकड़ लेगी आपको, ये एक आदत होती है, बन जाती है। तो 7वीं में था मैं तकरीबन, अप्रॉक्सीमेटली उस टाइम से माशाल्लाह 5 टाइम की नमाज। तो जहाँ तक कि घर का माहौल इस्लामिक था, लेकिन इट वॉज़ ओपन, लाइक अब्बा अम्मी ने हमको फ्रीडम दिया था, जो आपको सही लगे कहो, वो गाइड करते थे। लेकिन एक एवरेज मुस्लिम जो करता है, 5 टाइम माशाल्लाह पढ़ते थे फ्रॉम द एज ऑफ 7, स्टैंडर्ड 7 से, एज ऑफ 13 से रोज़ा रखते थे माशाल्लाह, हज भी किया था, तो माहौल वैसा जो एवरेज मुस्लिम अच्छा। लेकिन दावती मिजाज नहीं था मेरी ज़िंदगी में। मैं 1987 में जब मैं मेडिकल कॉलेज में सेकेंड ईयर में था, तो उस वक्त मैंने शेख अहमद इदा से मुलाकात की। वाह। तो मेरे वालिद का शौक़ था माशाल्लाह, वो कई उलमा से हमेशा रब्ता में रहते थे, और उनका मिजाज था कि ओपन माइंडेड थे, चाहे जमात इस्लामी हो, चाहे देवबंदी हो, चाहे बरेली हो, चाहे अहले हदीस हो, चाहे सलफ़ी हो। वाह। मुख्तलिफ इख्तलाफ राय रखते थे, लेकिन एक तरीके से, मतलब सारे भाई ने, वो माशाल्लाह मेरे वालिद का ज़रा अलग ही मिजाज था। ठीक है, आपको सही लगता है करो, मुझे ही सही लगता है। तो वो कभी भैंस में नहीं पढ़ते थे, और वो अलहमद, लेकिन भाई हमें 5 टाइम नमाज पढ़ो, ये करो, सही। तो अहमद दीदार साहब आए थे बम्बई में 1987 में, सही। तो उन्होंने मुझे कहा कि मिलने आते, उस टाइम मैंने एक आध कैसेट देखा था, मतलब क्या मिलने का, लेकिन वालिद
ने कहा, इसलिए मिलने गया मिलने के लिए। और जब मिलने गया मेरे भाई के साथ, तो मेरे भाई ने कहा कि आपका लेक्चर रखते कल। तो उन्होंने बोले अभी रात का टाइम है, कल रात को मैं जा रहा हूँ। हार्डली 20 घंटा कैसा रखेंगे आप? अच्छा ठीक है। तो हमने पहले बार ऑर्गेनाइज़ किया शेख अहमद दीदात का लेक्चर विदाउट एनी मीडिया पब्लिसिटी, क्योंकि रात को तकरीबन 11-12 बजे उन्हें हाँ का, और नेक्स्ट डे 7 बजे शाम को प्रोग्राम था, तो प्रेस में देने का टाइम नहीं था। तो वालिद ने फ़ोन करके माशाल्लाह अपने कॉन्टैक्ट के लोग से बुलाए, तो वो प्रोग्राम पहला प्रोग्राम था शेख अहमद दीदात। उसके बाद वो लाइव प्रोग्राम देखने के बाद मैं अहमद दीदात का फ़ैन बन गया। उसके पहले मैं फ़ैन नहीं था। सही। और अहमद दीदात को मिलने के बाद फिर हमने उनको वापस से बुलाया तकरीबन 7-8 महीने बाद, और वो 18 दिन के लिए आए थे इंडिया में, और उनके काफ़ी प्रोग्राम हमने रखे बॉम्बे में। और वो जब ऑर्गेनाइज़ किए तो उन्होंने पूरा सेट दिया था मुझे, लेकिन वो आने के पहले मैंने काफ़ी कैसेट उन्हें देख चुका था। उसके बाद मैं उनका फ़ैन बन गया और मैं उनको इमिटेट करने लगा। और मेडिकल कॉलेज में जब मैं दावत करता था तो मेरे मुसलमान दोस्त काफ़ी कम होते, हार्डली मे बी 4% होते थे मुसलमान इन द मेडिकल कॉलेज, तो भाग जाते थे, बोलते कि आखिर के साथ तो पिटवा देंगे हमें। तो मैं हमेशा कहता था कि, और वो कहते थे कि आप अगर दावत करेंगे अपने प्रोफेसर से वो आपको फेल करेंगे। तो मैं कहता था अगर मेरे प्रोफेसर मुझे फेल करेंगे तो मुझे और एक साल मौका मिलेगा उनसे दावत करने का। तो मेन जो अगर क्रेडिट जाता है जो रुख को बदलने का मेरे दाऊती मैदान में, दीनी तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालदेन थे लेकिन मुझ पर ज़बरदस्ती नहीं किया। दीदार साहब को मिलने के बाद दीदार साहब ने मुझे डॉक्टर ऑफ बॉडी से डॉक्टर ऑफ सोल कर दिया, तब्दील कर दिया। वाह, डॉक्टर ऑफ सोल, बॉडी टू डॉक्टर ऑफ सोल, क्या बात है भाई। वाह, जिस्म का तबीब था, डॉक्टर था, अब रूह के, उसके बाद रूह का तबीब बन गया। और जो मज़ा मिलती थी अगर कोई पेशेंट को क्योर करने में, अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं समझता था कि मेडिकल प्रोफेशन इज़ द बेस्ट प्रोफेशन इन द वर्ल्ड, इसीलिए मैंने चुना कि मैं डॉक्टर बनूँ। मेरे वालिद भी डॉक्टर थे, मेरे भाई भी डॉक्टर थे, उन्हें जबरदस्ती नहीं की, लेकिन मैं समझता था कि एक मेडिकल डॉक्टर, एक तबीब सबसे बेहतरीन प्रोफेशन है। जब दीदार साहब के पास मिलने के बाद मुझे पता लगा कि अल्लाह ताला कहते हैं कुरान में सूरह फुसिलत में, सूरह नंबर 41 आयत नंबर 33 में, वमन अहसन कौल मिम्मन दुआ इलल्लाह व अमल सालिहन व क़ाल इन्नी मिनल मुस्लिमीन, हु इज़ बेटर इन स्पीच देन वन हू इनवाइट्स टू द वे ऑफ द लॉर्ड, वर्क्स स्नैचेस दिस एंड सेज़ दैट आई एम मुस्लिम। कौन बेहतर है स्पीच में? वो शख्स जो अल्लाह की तरफ बुलाता है और वो कहता है कि मैं मुस्लिम हूँ। तो सबसे बेहतरीन प्रोफेशन जो अल्लाह ताला के नज़दीक, जो कुरान मजीद में कहा गया है, वो एक दाई का, लोग को इस्लाम की तरफ बुलाना। और दाई मौजिज खवातीन हज़रात, डॉक्टर साहब दाई, डॉक्टर साहब की वाइफ दाई, डॉक्टर साहब के बेटे दाई, डॉक्टर साहब की बेटियाँ दाई, और मतलब एक पूरा ख़ानदान आपका माशाल्लाह दाई सिस्टम पे है और लेगेसी कंटिन्यू हुई भी है। सर अल्लाह आपको इस्तकामत दे इस चीज़ पे, तो माशाल्लाह आपने बहुत काम किया है दीन के हवाले से, अल्लाह ने बहुत काम मजीद लेना है। आपको अंदाज़ा भी है कि पाकिस्तान में आपको कितना प्यार किया जाता है? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको डॉक्टर साहब अंदाज़ा है? आप यकीन करें, मैं एयरपोर्ट पे आया, कहाँ जा रहे हैं नाज़िम भाई, मैं डॉक्टर साहब के पास जा रहा हूँ पॉडकास्ट, डॉक्टर जाकिर अच्छा यार मेरा सलाम देना, मेरा ये सवाल करना मुझसे, ये एवरीवन इज मतलब एक्साइटेड, किसी भी फिरके से आपके लिए एक्साइटेड था कि डॉक्टर साहब के लिए भाई वाह वाह, इंसानी कंप्यूटर मतलब डॉक्टर साहब है भाई, फला फला ये यहाँ से ये, कंपैरेटिवली रिलीजन को जो स्टडी किया है वो आप, अल्लाह ने आपसे बहुत काम लिया उस चीज़ पर। पाकिस्तान कब आ रहा है? इंशाल्लाह पाकिस्तान में ज़िंदगी में एक बार आया था 1991 में, जब मैं दावती मैदान में कदम रखा था, लेकिन इतना फेमस नहीं था। जब दीदार साहब से मुलाकात हुई थी 1987 में, 88 में लेक्चर किए, फिर दीदार साहब के बाद में मुतासर हुआ डॉक्टर इसरा अहमद। तो पाकिस्तान का मेन मकसद था डॉक्टर इसरा अहमद से मिलने का। तो दीदार साहब से जब मुतासर हुआ तो मैं कसर देखने लगा, उनके वजह से बाकी मौलाना बाकी मुकर्रर की तकरीर देखने लगा। तो उर्दू में जो सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ वो थे डॉक्टर इसरा अहमद। तो दीदार साहब अंग्रेज़ी में थे और डॉक्टर इसरा अहमद, तो अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, क्या हाथ अल्लाह फिरदौस, आमीन। तो 1991 में
मैं पहली बार आया था उस टाइम तकरीर नहीं करता था। अच्छा, उस वक्त आप मेडिकल के मेडिकल में जस्ट पास कर चुका था, इंटर्नशिप कर रहा था और हमारे फाउंडेशन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को कायम की थे। मशहूर भी नहीं हुए थे मतलब आप? नहीं, लोग जानते नहीं थे। तो डॉक्टर साहब भी मेरा ख्याल है इतना ज्यादा आपको एक नहीं जानते डॉक्टर साहब से, क्योंकि मैं कहा था मैं आने वाला हूँ तो कौन शख्स से मिलना चाहते। फिर मैंने कहा कि मेरा एक जुनून है कि जितने भी इस्लामिक कैसेट थे उन्हें इकट्ठा करें और दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी बनाए। सही। तो मैंने कहा उनको कि जितने भी आपकी कैसेट सब कैसेट्स हो ऑन द स्पॉट है नहीं, हम तो कुछ लोग जो मांगते थोड़े मौजूद है लेकिन उनके सैकड़ों वीडियो कैसेट्स थे। तो मैंने बोला मैं ऑर्डर देना चाहता हूँ और अच्छी उम्दा जैपनीज वीडियो कैसेट VHS चलते थे उस टाइम, उन पे आप रिकॉर्डिंग करो। तो उन्होंने बोला अभी तक मेरी ज़िंदगी में कोई भी शख्स ने ये नहीं कहा कि मुझे सब कैसेट चाहिए। तो मैंने कहा जितने शिकागो में आपके कैसेट सब मैं कलेक्ट कर चुका हूँ, कराची आपके सेंटर में से ले चुका हूँ, अभी आपके लाहौर ब्रांच में से सब लेना चाहता हूँ। तो और डॉक्टर साहब से काफ़ी मुतासर था। तो जब मैंने कहा उनसे कि आपका क्या मकसद है आने का, मैं बोला आपसे मिलने का मकसद था और यहाँ इस्लामिक इदारे देखना चाहता हूँ, और वो मेरा शौक़ था कि वर्ल्ड वाइड जितने इस्लामिक इदारे हैं, जितने स्कॉलर्स है, जितने दाईज है, जितने मुबल्लिग है, उनसे मिलके गुफ्तगू करना और इल्म हासिल करना। तो उन्होंने कहा पाकिस्तान में आपको इस्लामिक इदारे तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन इस्लाम नहीं मिलेंगे। और आप उनके तकरीर सुनेंगे तो पता हो कितने कितने नाराज़ थे कि मुसलमान दीन से क्यों दूर है, मुसलमान कुरान से क्यों दीन है सर। बहुत। और उनने जो एक 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 गाइडेंस मुझे दिया कि उन्होंने कहा कि दाई को हमेशा अपनी जो ज़रूरत है उसे कम करना चाहिए, एकदम कम। वाह वाह। ज़रूरत कम करो ताकि आपको ज़िंदगी बसर करने के लिए आसानी मोहताज ना हो, मोहताज ना हो। और अगर आपको कोई चीज़ कहने का इस्लाम के बारे में डंगे के चोट पे कह सकते हैं, आपको किसको ख्वाहिश को पूरी करना, किसको फ्लैटर करने की ज़रूरत नहीं। बिल्कुल सही है। और ये जो उनने ज़ोहद ज़ोहद का काम एडवाइस दिए और अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने काफ़ी नवाजा है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, कभी तकलीफ़ नहीं। जैसे आप कह रहे थे कि मेरे वालदे ने जब मैंने कहा उनको कि क्या मुझे दाई बनने का, तो वालदे ने बोला नो प्रॉब्लम। तो मैंने कहा अभी मैं मेडिकल कॉलेज में हूँ, मैं करने वाला हूँ PG, तो 2 घंटा मैं करूँगा हफ्ते में नो प्रॉब्लम। फिर मैं बोला दिन में 2 घंटा करने का, उन्हें बोले नो प्रॉब्लम। फिर बोला 50-50 दावा, 50% मेडिकल प्रैक्टिस, बोले नो प्रॉब्लम। वाले साहब क्या करते थे? वाले साहब भी डॉक्टर थे। अच्छा, वो भी डॉक्टर थे? वाले साहब साइकियाट्रिस्ट थे, माशाल्लाह उनको ज़्यादा खैर दे। तो फिर मैंने कहा कि हम 50-50, बोले नो प्रॉब्लम। फिर बोले 2 घंटा मेडिकल प्रैक्टिस करूँगा, बाकी दावा करूँगा, बोले नो प्रॉब्लम। और ये सब ऐसा नहीं कहा दो दो साल के बाद हुआ, दो तीन महीने बाद। तो 1.5-2 साल में मैंने कहा वालदेन से कि मुझे 100% दावा करने, बोले नो प्रॉब्लम। तो पूरा सपोर्ट था उनके पास, उनका सपोर्ट था, तो मुझे कोई जहाँ तक कि मेरी फाइनेंस का प्रॉब्लम ही नहीं था। जब मैं डॉक्टर इसाया अहमद साहब से मिला तो उन्होंने कहा अपनी ज़रूरत को कम करो, और ये मैं पहले बोल चुका आपको, लेकिन उन्होंने कहा कि आपको दोनों में से चुनना पड़ेगा, दुनिया या दीन। नहीं, इधर मेडिकल, अगर आपको माहिर बनने का है इधर मेडिकल डॉक्टर यार अदाई दाई। इस्लाम में तो दीन और दुनिया दोनों है, एक वाहिद मजहब है जिसमें दोनों इम्पोर्टेंट। वाह वाह वाह। लेकिन अगर आपको स्पेशलिस्ट बनने का है, उनने कहा कि मैं 7 साल कोशिश किया, मेडिकल डॉक्टर था और दावत भी करता था, अगर एक फील्ड में माहिर बनने का दोनों में से एक चुनो। तो वो मेरा एक मकसद था। जब मैं वापस गया उस टाइम मैंने वाले से कहा तो मुझे 50-50 करने का है, फिर मैंने फुल कहा। तो ये जो मेरा पीरियड था आफ्टर पासिंग माय MBBS, और ये तकरीबन 1-1.5-2 साल था जब मैं करने वाला था पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर मैं ड्रॉप कर दिया। तो डॉक्टर साहब का, डॉक्टर इसाम साहब का काफ़ी बड़ा हाथ था इसमें, क्या मैंने मेरे मेडिकल प्रोफेशन को मैं भी जल्दी छोड़ा, हो सकता था कि और मैं टेस्ट करता था। और वालदेन की तरफ से पूरा सपोर्ट था, वालदेन की तरफ से, भाई की तरफ से, बहन की तरफ से, फैमिली की तरफ से, कि आप अपने फिक्र मत करो, आपके लिविंग का फिक्र मत करो, आप फुल टाइम दाई बनो, हम आपको सपोर्ट करें। डॉक्टर इसरार के बाद उस मुलाकात के बाद उनसे मुलाकात नहीं हुई, जब आप माशाल्लाह फेम पा लिया आपने, इतने बड़े पब्लिक फिगर। 91 में मुलाकात हुई थी, उनके बाद हमेशा टच में थे। और फिर हमने उन्हें 2004 में, ईयर बराबर आई थिंक 2004 के करीब है, हमने उनको इन्वाइट किया था इंडिया में, आए थे इंडिया में, इन्वाइट किया हमने 2004 में, और वो आए थे। और हमने माशाल्लाह उस टाइम हमारा लेवल ज़रा कुछ दूसरा था, तो दीदा साहब को पहले हमने ऑर्गेनाइज किए थे लेक्चर, तो हमें तजुर्बा था, बाकी काफ़ी लेवल कुछ और का मतलब वो हद नज़र पब्लिक ही पब्लिक।
कैमरा दिखाई नहीं पा रहा। नहीं ना, हमारा उस टाइम जब हम दीदा साहब को बुलाए तो दीदा साहब बहुत मुतासर थे। दीदा साहब ने सिर्फ एक चीज़ कहा, देखो बेटा मुझे अच्छा माइक्रोफोन चाहिए। अच्छा माइक्रोफोन चाहिए, हाँ। तो हमने लिखा है और बहुत खुश हो गए। अभी हम सोचते हमने क्या बकवास माइक्रोफोन चाहिए दीदा को दिया तो लेवल की बात होती है। वो तो बहुत खुश थे। फिर हम डॉक्टर इसम साहब को बुलाए और डॉक्टर इसम का प्रोग्राम बहुत बड़े लेवल पे किए। वो तो बहुत खुश थे, बोले इतने मैंने इतने लेक्चर टूर किया दुनिया भर में, इतना अच्छा मेरे ज़िंदगी में नहीं हुआ। सुभान अल्लाह। वो कभी थी 2004 टाइम हमारा लेवल मेरे हिसाब से अभी बोलता, उस टाइम हम बहुत खुश थे। उनने कहा कि हमें 10 दिन एक ही वेन्यू पे लेक्चर। बोला डॉक्टर साहब बम्बई इतना बड़ा है, एक लेक्चर यहाँ दो यहाँ दो, इतने देने मेरा मकसद है एक पे दो। मैंने पब्लिक एक 10 दिन तक कैसे आएंगे, और माशाल्लाह मशहूर थे दीदा साहब के लिए तो पब्लिक थी। तो हमने उस टाइम बड़े एक मैदान में की जिसकी कैपेसिटी 10,000 थी और माशाल्लाह पूरे 10 दिन माशाल्लाह पब्लिक थी। और रिकॉर्डिंग हमने किया था, हमने स्टेज के लिए हमने पैसा खर्चा किया और डॉक्टर साहब तो एकदम इतना पैसा खर्चा किया, इतना लेवल का किया और हम भी खुश थे। हम भी सोचते इतने बड़े शख्स के लिए हमने इतना कम खर्चा किया। आए हाय हाय वाह, लेवल लेवल की बात है क्या बात है। तो हमें पता है कि हम तो दीदा साहब के लिए हमने बाहर से VHS पे रिकॉर्डिंग किए थे। उस टाइम बहुत खुश थे क्योंकि उस टाइम हमारा बेस्ट था। तो अल्लाह ताला ये देखते हैं कि आप मेहनत कितनी करते हैं। उस टाइम हमारी मेहनत टॉप नियत कुछ छोड़े नहीं हमने। और जब इसराइम में साहब 10 दिन की एकदम स्टेज बनाए, स्टेज के ऊपर सिर्फ स्टेज को सेटिंग करने के लाख रुपये खर्चा किए उस वक्त तो उस टाइम तो हमारा और IRF वगैरह इदारा बन चुका था। अच्छा बन चुका था और पीस टीवी बन चुका था 1991 में जब मैं उन्हें मिलने गया था। ठीक है। दीदा साहब को मिले 1987 में, इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन लॉन्च हुआ 1990 में, रजिस्टर हुआ और 1991 में इनॉग्रेट हुआ, उसके बाद में डॉक्टर इसम साहब को मिलने गया। सही तो बन चुका था। और PeaceTV 2006 में, तो दीदा जिसले जब हमारी मुलाकात हुई थी उस टाइम PeaceTV कायम नहीं हुआ था। तो जब डॉक्टर इसम साहब आए थे इंडिया में 2004 में, PeaceTV ने देश लेवल फर्क था। हाँ समझे ना। सही। तो अगर टेलीविजन को हटा देंगे तो लेवल बहुत अच्छा था। लेवल बहुत अच्छा था, एक वन ऑन वन ठीक है। लेकिन जब PeaceTV आने के बाद, PeaceTV की जो तरक्की होने अल्लाह ताला की मदद थी, वो लेवल कुछ और हो गया। फिर वो अलग लेवल था। लेकिन उस टाइम ने प्रोग्राम किए थे, उस टाइम 10,000 पब्लिक 10 दिन के लिए, तो रिकॉर्ड हमारे रिकॉर्ड था और डॉक्टर इसराइम साहब के लिए भी रिकॉर्ड था बेशक। ऑफकोर्स उनको बुलाए तो काफ़ी इंडियन गवर्नमेंट में, बिकॉज पाकिस्तानी थी तो काफ़ी कंप्लेन हुए। फिर कुछ शख्स ने जो उनके गौर फिक्र के ख़िलाफ़ थे, कंप्लेंट भी की पुलिस में। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद थी, वो सॉल्व हो गया और उनका दौरा काफ़ी तकरीबन एक महीने तक था। एक महीने तकरीबन यहाँ से फिर बैंगलोर गए, काफ़ी जगह खुश गए अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हमने वीडियो रिकॉर्डिंग किया बहुत। उसके बाद फिर हम उनको दिखाने लगे हमारे केबल TV के ऊपर। केबल TV तो पहले से दिखाते थे। और फिर PeaceTV कायम हुआ 2005 में हम शुरू। इसलिए डॉक्टर इसम साहब 2002-2003 या 2004 में, एग्जैक्ट डेट पता नहीं, 2003 या 2004 में आए थे। फिर PeaceTV कायम करने का इरादा हुआ मेरा 2005 में। उसके पहले ज़रा मैं जवाब दे दूँ, आपने कहा पाकिस्तान गई कहने, तो पाकिस्तान 1991 में सबसे पहली बार आया। उसके बाद आने के बाद इतनी इंक्वायरी हुई मेरी, क्यों गए थे क्या, उस टाइम कुछ जानता भी नहीं था मुझे। अच्छा पाकिस्तान गए क्यों, गए किससे मिले क्यों मिले, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ प्रॉब्लम हुआ नहीं। तो जब दावती मैदान में मैं उतरा तो बट नेचुरल, बिकॉज मैं इंडिया में रहता था, मैं अगर पाकिस्तान फिर से विजिट करूँ तो मुझे बहुत मुश्किल हो जाते थे, बहुत से मुश्किल आते थे गवर्नमेंट की तरफ से एलिगेशन, ऐसे एलिगेशन जितने मुसलमान एक बार मशहूर हो जाता है लोग कबूल करने लगते हैं तो इंडियन गवर्नमेंट पीछे पड़ जाती है पॉसिबिलिटी। तो इनविटेशन मुझे सबसे ज़्यादा दुनिया में, अगर मैं 2016 को मैं छोड़ा, मैंने हिजरत की इंडिया से मलेशिया, तकरीबन उस वक्त 5,000 इनविटेशन थे दुनिया भर से आने के लिए, जो मैं एक्सेप्ट नहीं किया था। एक्सेप्ट क्या अलग बात है, पेंडिंग। उसमें से तकरीबन 500 सिर्फ पाकिस्तान से थे, 500। और उस टाइम जो इन्विटेशन होते थे बट ना तकरीर के लिए मैं जो आते थे, लेकिन मैं बोला अभी आना तो मुश्किल है, इंशाल्लाह टेलीविजन के थ्रू जाएंगे, तो टेलीविजन शुरू हो गया था। डॉक्टर साहब, हमने आपके
हज़ारों लेक्चर्स देखे जिसमें आपने सबको लाजवाब कर दिया, हर सवाल का जवाब दिया। द ब्रदर आस्क अ वेरी गुड क्वेश्चन और जवाब धड़ाधड़। कभी ऐसा कोई सवाल, कोई ऐसा टफ क्वेश्चन या कोई ऐसा टफ अपोनेंट जो आप भी सोचने पे मजबूर हो गए हो कि यार इस बात का क्या जवाब है, और आपने किसी से मशवरे लिए हो या अल्लाह ने फिर डाल दिया हो लेकिन बहुत टफ लगा हो, वो मोमेंट ज़रा शेयर करें। नहीं, आपका ये क्वेश्चन टफ क्वेश्चन है। अच्छा, ये टफ है। इसके लिए हाँ, ऐसे कई बार ऐसा हुआ कि जब मैं पब्लिक स्टेज पे मैं सवाल जवाब हैंडल कर रहा हूँ और कोई क्वेश्चन आता है और मुझे जवाब पता नहीं। नहीं पता। ऐसा नहीं हो सकता डॉक्टर साहब, हम तो ये बोलते थे ये देखो अभी डॉक्टर साहब आएंगे और जवाब दे देंगे। लेकिन आपने जो उसके बाद पूछा कि अल्लाह की लेकिन मदद हमेशा आई, कभी भी ऐसा ना हो कि अल्लाह की मदद नहीं आई। इल्म तो कोई भी इंसान नहीं कह सकता मुझे सारा इल्म है, सही, और मैं तो कह ही नहीं सकता हूँ। तो ऐसे कई सवाल आते हैं, तो कुछ सवाल आते ऐसे कि सवाल उसने मुझे आज पूछा और कल ही मैंने जवाब पढ़ा उसका, कल शाम को पढ़ा सवाल, आज पूछता है, ये तो अल्लाह की तरफ से। अगर ये मुझे कल पूछ लेता था यस्टरडे तो मैं जवाब नहीं दे पाता था। अच्छा, मुझे हैरत है कि मैं कल ही पढ़ा और आज किसने सवाल पूछा, तो अल्लाह की तरफ से। अगर दो दिन पहले पूछता तो मुझे नहीं पता होता था। तो कौन सा कोई ऐसी टफ मैच एक सवाल है, कई सवाल है। एक सवाल का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक सवाल है जो एक शख्स, उसका नाम है राहुल, जो दुबई के अंदर, जब मैं एक मेरी ऑडियंस जो बम्बई की ऑडियंस है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि उसमें कई गैर मुस्लिम होते थे और कई दिगर मजहब के लोग होते थे और इंटेलेक्चुअल होते थे, तो जो क्वेश्चंस बम्बई से आते वो सबसे मुश्किल टफ होते थे और सबसे जवाब जो निकलते थे अच्छे निकलते थे। टफ होता है क्वेश्चन तो और सोचने पड़ता है और जो अच्छे निकलते, तो मेरे हिसाब से बॉम्बे वॉज द बेस्ट ऑडियंस, नंबर टू इज़ दुबई। दुबई के अंदर भी माशाल्लाह मजमा 10,000, 15,000, 20,000, 30,000 होता था, और वहाँ एक एडवांटेज था जो बॉम्बे में नहीं था। वहाँ डिफरेंट नेशनलिटी के लोग आते थे, बॉम्बे में भी आते थे लेकिन बहुत कम इन परसेंटेज वाइज आते थे, अमेरिकन भी यूरोपियन भी आप देखेंगे कसर में, लेकिन जो परसेंटेज है दुबई में, क्योंकि दुबई के अंदर लोकल तो सिर्फ 11% है, इंडियन ही तकरीबन 35% है, फिर फॉरेनर्स है, अमेरिकन, यूरोपियन, वाइट, ब्लैक, येलो, ब्राउन, तो वैरायटी बहुत होती थी। तो एक शख्स का नाम था राहुल, मुझे याद है, क्लीन शेव, और वो कई एक ने कई सवाल पूछा, तो आप अगर मेरे वीडियो देखते हुए आप पहचान लेंगे राहुल कौन है। और मेरे हिसाब से मुझे लगता था ये इंसान ईमानदार इंसान है, वो सवाल से पता चलता है, सवाल बड़े टफ हो, सवाल ट्रैफिक हो सकता है, लेकिन सवाल से एक्सपीरियंस एक स्पीकर होता है उससे पता चल सकता है क्या ये मुझे टांग खींचने के लिए आया है या बाकी सच जानना है। सच जानने के लिए, सही, और सच बोलेगा तो कबूल करेगा, सही। कुछ लोग आते टांग खींचने के लिए जवाब भी देंगे तो भी वो इस्लाम कबूल नहीं करेंगे, सही। तो इनने एक दिन मुझे सवाल किया कि, और वो कहता था कि उनकी तालीम हुई थी यूके में जो मैंने मैनेजमेंट में और इंजीनियरिंग मैनेजमेंट कर रहा था उसमें जो मैंने पढ़ा उससे ज़्यादा मैं इस्लाम के बारे में पढ़ा कहता था। और कहा मुझे कि मैंने कई तफसीर पढ़ा कुरान की, जो सबसे पहला जो वर्स जो कुरान मजीद में नाजिल हुआ अल्लाह के रसूल को, वो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने इकरा नाजिल किया। मेरा बिल्कुल सही, ऐसे मतलब सही है। लेकिन आप कोई भी तफसीर पूछो, जब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा इकरा, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया अमाना बिखारी, आई एम नॉट लर्निंग, मैं नहीं पढ़ सकता। और फिर उन्होंने कहा माना बेकारी, तो उसका सवाल था, फिर तीसरी बार कहा इकरा, अल्लाह के रसूल ने कहा माना बेकारी कि मैं नहीं पढ़ सकता हूँ। उसका सवाल था कि जब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने इकरा कहा, उन्हें अल्लाह के रसूल को क्या दिखाई, कौन सा वर्क दिखाया, कौन सा पेज दिखाया, कौन सी किताब दिखाई, और ये किताब जो दिखाई या वर्क दिखाया या पेज दिखाई वो है किधर, कौन से म्यूजियम में। तो मैंने कहा ब्रदर आस्क क्वेश्चन, और मैं उठा और मैं सवाल को दोहराता हूँ ताकि टाइम मिल जाए। टाइम मिलना भी एक फ़ायदा है लेकिन वो आखिरी है, जो कभी कभी काम में आता है, अक्सर जवाब पता है तो फिर टाइम की जरूरत, डायरेक्ट जवाब दे सकते, रिपीट दो जमा दो क्या, मुझे रिपीट करनी जरूर, डायरेक्ट चार बोल दूंगा मैं चार। लेकिन सवाल को जब रिपीट होता है, ये मजमा बड़ा है, मजमा है
15,000 लोग नहीं सुना वो फिर नहीं सुना सुन सकते। हो सकता है कि उसके लहजे मेरे लहजे में फर्क है, मैं स्पीकर हूँ, मेरे पास माइक्रोफोन है, उसका माइक्रोफोन सही नहीं, मेरा माइक्रोफोन अच्छा है, और लाखों लोग करोड़ों लोग सैटेलाइट पे दिख रहे तो मेरे कहने पे और तवज्जो देते लोग। तो मैं रिपीट करता हूँ हमेशा सवाल, भले आसान हुए तो, और एक फ़ायदा है, एक तो रिपीट करना लोग समझे, सेकेंड है वो क्वेश्चन जो क्वेश्चन क्वेश्चन पूछ रहा है अगर मैंने गलत सुना वो मुझे करेक्ट करेगा। मैंने 2 जमा 2 4 ने पूछा, मैंने 2 जमा 3 पूछा, तो पहला ऑडियंस जो नहीं सुनी उनको पता चलेगा क्वेश्चन क्या है। नंबर 2 अगर मैंने गलत सुना तो क्वेश्चन मुझे करेक्ट करेगा, ठीक हो गया। नंबर 3 मुझे वक्त मिलता है जवाब को बराबर से फॉर्मुलेट करना, क्योंकि माइंड बहुत पावरफुल है। जब मैं रिपीट कर रहा हूँ मेरा सिर्फ 2% या 4% मेरा दिमाग इतना 95% दिमाग फ्री है, कैसा जवाब देना चाहिए, कितना लंबा कितना छोटा, और एक फॉर्मुलेट करना। एक का जवाब नहीं है, नहीं पता तो सोचने का वक्त मिलता है। तो मैंने कहा बजाय से क्वेश्चन नहीं आता, क्वेश्चन आके इंजन के बैठ के मैं बोलने लगा। जब मैं रिपीट कर रहा था क्वेश्चन, अल्लाह की तरफ से इल्हाम आया, वही तो आती नहीं, नबूवत तो ख़त्म हो गई, कोई बोल नहीं था, लेकिन इल्हाम ऐसी चीज़ होती कि अल्लाह के रसूल अपने बंदों से कभी कभी इमिजिएटली मदद नाजिल कर देते। तो मैंने कहा ब्रदर राहुल डू यू नो जापानीज, तो उसने बोला नो, तो ऐसे डिड आई शो यू एनी बुक दैट यू सेड नो, आपको जापानीज पता है, तो उसने बोला नहीं, मैंने कोई किताब दिखाई आपको कि आपने कहा कि मुझे जापानीज नहीं पता है, तो मैंने जब किताब नहीं दिखाई आपने बोले जापानीज नहीं पता, तो उसी तरीके से वाह जिब्रील अलैहि सलाम ने जब बिकरा पूछा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछने की जरूरत नहीं, मैं फर्क किधर है किताब किधर है वो क्या बात है डॉक्टर साहब, वाह वाह। तो ये अल्लाह के दिए, ये जवाब कोई फिकी जवाब था ही नहीं, ना कुरान और हदीस से लेना देना, उस वक्त की टाइमिंग पे फिट बैठ गया, बिल्कुल सही फिट बैठ गया जवाब। तो ऐसे कई वक्त है जो आप तकरीर कर रहे 30 साल तक के, इस पर कोई एतराज़ करता ही नहीं, और कोई एतराज़ कर ले तो आप क्लीन बोल हो जाते, आपको पता ही नहीं, उस टाइम अल्लाह की मदद आती। तो इसीलिए सवाल जवाब में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अल्लाह की मदद, अल्लाह की आप मदद। कितने बड़े आलिम हैं ये इम्पोर्टेंट है। आपने सबको माशाल्लाह हराया है मैदान में, इल्मी मैदान में, श्री श्री रविशंकर हो, विलियम गैम्बल हो, और बहुत सारी स्पीचेज हैं, ये तो बहुत मशहूर है ना। आपके जो भी कॉम्पिटिटर था अगेंस्ट में, इसमें सबसे टफ आपको या इंटेलिजेंट कौन लगा कि यार ये क्लेवर है? श्री श्री रविशंकर को तो आपने वन साइडेड मारा था इसमें तो कोई नहीं, नहीं श्री श्री रविशंकर वो सबसे पॉपुलर थे, पॉपुलर थे, क्लेवर पॉपुलर वो थे, जितने लोग से मैंने तकरीर किया वो अकेला अपने मजमे में 2 लाख को 3 लाख को गैदर कर सकता। तो सबसे पॉपुलर इंसान जिसको मैं डिबेट किया हूँ या सबसे फेमस इंसान वो है श्री श्री रविशंकर, उस टाइम नंबर 1 पे थे, हिंदुइज्म पे नंबर 1 था, फिर नीचे आ गए, आपके बाद नीचे आए वो अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, इंशाल्लाह हिदायत दे। तो पॉपुलर जिंदगी इंटेलिजेंट, और सबसे आप बोल सकते विलियम गैम्बल ये विलियम गैम्बल का जो डिबेट था, उनने जो रिसर्च की थी, ही वॉज नॉट अ वेरी गुड स्पीकर, इतने अच्छे मुकर्रर थी ने, लेकिन जो उनने तनकीद की कुरान की बारे में, उनने किताब लिखी थी डॉक्टर मॉरिस बुकेल की सबसे फेमस किताब थी कुरान एंड साइंस पे, द कुरान एंड मॉडर्न साइंस, उसका जवाब उनने लिखा द कुरान एंड बाइबल इन द लाइट ऑफ साइंस। और इस किताब में बाइबल को डिफेंड करने के अलावा उनने तकरीबन 38 साइंटिफिक एरर्स निकाली कुरान में, 38, और ये किताब बहुत मशहूर थी अमेरिका में, कनाडा में और वेस्टर्न कंट्री में, सो मच सो दैट 7-8 साल तक के कोई मुस्लिम उसका जवाब नहीं दिया। तो मुझे इनविटेशन आया था यूएसए और कनाडा से कि आप इसको जवाब दे सकते हो, और ये 2001 की बात है, मुझे इनविटेशन आया था 1997 में, ये बुक तकरीबन 1990s के अर्ली में लिखी गई थी, तो 96-97 में मुझे इन्विटेशन, 98 में डिबेट होने वाला था कनाडा में, मैंने बोला इंशाल्लाह करूँगा मैं, फिर पोस्टपोन हो गया ईयर 2000 में, तो अप्रैल 1 इन द ईयर 2000 शिकागो में डिबेट ऑर्गेनाइज हुई, और उस वक्त
ये किताब गैर मुस्लिम क्रिश्चियन इस्तेमाल करते थे मुसलमानों के साथ इन यूनिवर्सिटी। ये किताब पढ़ो, हमारे कुरान में इतने साइंटिफिक एरर थे, हाउ कैन बी द वर्ड ऑफ गॉड। इतने साइंटिफिक एरर्स है, खता है साइंस के बारे में, तो ये अल्लाह का कलाम तो हो ही नहीं सकता है, और मुसलमान जवाब दे नहीं सकते थे। अब इसके बारे में मैं इंसिडेंस कहूँगा आपको। एक बार मैं गया था सऊदी अरेबिया, तो वहाँ एक रियाद में एक सऊदी डॉक्टर मुझे मिला, बोला मैं आपको मिलने के लिए तरस रहा था। बोला मेरा मिजाज ऐसा है कि मैं दीदात का फ़ैन था, लेकिन कभी भी शेख दीदात के वीडियो डिबेट एक साथ में देख ही नहीं पाता था। मैं आधे घंटे से ज़्यादा देख ही नहीं सकता, तो अगर दीदात का डिबेट होएगा 3 घंटे का तो मैं 6 किश्तों में देखता हूँ, 6 पार्ट में। अगर 2 घंटे का डिबेट है तो 4 किश्तों में देखता हूँ। एक बार मैं मेरे दोस्त के वहाँ लंच के लिए गया और उसने प्ले किया आप विलियम कैंपबेल का डिबेट। तो पहले हाफ एन आवर में विलियम कैंपबेल बात कर रहे थे कुरान के खिलाफ, इतने मिस्टेक्स निकाले कुरान में, और वो डॉक्टर था, बोलते ही तो मैंने पढ़ा मेरे मेडिकल किताब में, ये मिस्टेक है, उसको चेंज नहीं आया। वो कंटिन्यू किया डिबेट देखते देखते, फिर मैं आया, मुझे जब देखा स्क्रीन पे, मैं तो उस टाइम मशहूर था नहीं, तो बहुत तेज में आया वो सऊदी मुस्लिम डॉक्टर, बोलता ये विलियम कैंपबेल कौन है, इतने मिस्टेक निकाल रहा है कुरान में, मैं डॉक्टर हूँ और इसे मेडिकल बुक में लिखा हुआ है, और उसको जवाब देने के लिए कौन ये नौजवान लड़का, कौन है भाई डॉक्टर जाकिर नायक, ये बिका हुआ है। तो बहुत तेज में था, बोलते ये इतना ज़ईफ इंसान और ये लौंडा, ये तो वन साइडेड हार जाएगा, वन साइडेड और ये बिका हुआ मुसलमान है, अल्लाह अल्लाह। और बाद में सॉरी बोला मुझे, बोला मैं बोला कौन है ये, इतने बड़े बड़े आलिम में कौन है जवाब देने वाला, वो भी शिकागो में हो रहा है, इतना डिबेट मजमा हजारों का, ये क्या जवाब देगा। और उनने मेरे जवाब सुने, उसके बाद इतना मुतासर हुए जो मुझे जाकिर नायक से मिलना है। वाह। तो उसका मतलब ये मैं कहना चाहता हूँ कि विलियम कैंपबेल का जो लेक्चर था, एक मुसलमान सऊदी, और सऊदी तौहीद पे होता है, डॉक्टर मेडिकल डॉक्टर, वो कह रहा है कि इसका जवाब मेरे पास ही नहीं। एक आम मुसलमान या बहुत से मुसलमान समझते नहीं, वो तेरे बकवास कह रहा है, हम मुसलमान हैं, हम तो मानते हैं भाई कुरान में तो खता हो नहीं सकते, इसे हमारा ईमान है। लेकिन उसने जो तनकीद की कुरान के बारे में, अक्सर जिसके पास साइंस की नॉलेज है उस तनकीद को अग्री करेंगे अनलेस आपके पास डिबेटिंग स्किल है या आपके पास उसका जवाब है। तो इसीलिए 7-8 साल तक के कोई भी मुसलमान ने उसका जवाब नहीं दिया था, इसीलिए वो और वो किताब। तो मैंने ये कभी भी डिबेट करने के पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें प्रिपेयर होना चाहिए। तो मैंने पूरे नेट्स पे जितने भी साइंटिफिक एरर्स कुरान के तकरीबन 13-14 फाइल डाउनलोड की। सही है। और उस पे आपने फिर रिसर्च शुरू की। हाँ ना, उसके बाद आपको हेल्प भी कोई करता है? हाँ, तो हमारी रिसर्च टीम थी। ठीक। तो मेरे पास 13-14 फाइल, तो उसमें कोई डॉक्टर भी थे, एमडी, मैं तो एमबीबीएस डॉक्टर हूँ, हमारे टीम के अंदर एमडी डॉक्टर भी थे, उनका नाम नहीं लूँगा मैं। सही। कई डॉक्टर थे, मैंने बोला भाई ये विलियम कैंपबेल का जवाब दो, उसकी किताब है और ये बाकी है। तो 38 में से शायद 2-3 जवाब ला के दिए मुझे, और अभी डिबेट को 2 महीने बाकी थे अभी तक। तो मैंने बोला अरे भाई तू जवाब 38 का दो करे, कम से कम बोलो 2 नहीं मिले, बाकी के मिले। अब इतना दाई है इतने साल से फील्ड में, आए आए, और बाकी जो मैं फाइल लेके आया 14 फाइल, उसमें आधे से ज़्यादा जवाब ही नहीं उनके पास। आए आए आए। तो मैं बोला ठीक है, तो मैं ज़रा चौंक गया भाई, एमडी डॉक्टर है, मैं तो एमबीबीएस हूँ, एमडी डॉक्टर को जब जवाब नहीं मिला और ये फील्ड का आदमी है, दाई है, तो मैं क्या जवाब ढूंढूंगा। अल्लाह अल्लाह। तो इसीलिए अल्लाह की मदद होती है। तो 1 महीना बाकी था डिबेट के लिए, तो मैं 1 महीना तो कम से कम पहले डिबेट के लिए बहुत प्रिपेयर करता था, अभी बहुत कुछ होता है। तो 1 महीने पहले मैं शुरू किया और माशाल्लाह शुरू किया, चंद दिन में खुद आपके आप पे आमद हुई अल्लाह तआला की तरफ से? नहीं, जब मैं देखो इल्म एक चीज़ है और एक अल्लाह की मदद एक चीज़ है। सही। तो मेरे जो भी मैं तकरीर करता हूँ, मेरे हिसाब से अल्लाह की मदद सबसे अहम है। बेशक। मेहनत तो है, बेशक। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि कोई भी काम में सफल होने के लिए 3 रूल है। नंबर, चाहे दावती काम हो चाहे बिजनेस हो, नंबर 1 रूल अल्लाह ताला कहते हैं सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 160 में कि इफ अल्लाह हेल्प्स यू नन कैन ओवरकम यू, इफ अल्लाह फोर्सेस यू हु इज देयर देन यू कैन हेल्प यू, सो लेट द बिलीवर्स पुट देयर ट्रस्ट इन अल्लाह। यानी अल्लाह अगर आपकी मदद करेगा तो आपको कोई भी शिकस्त नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। लेकिन अल्लाह अगर आपको छोड़ देगा
तो कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता। इसीलिए या मोमिन हो ए मोमिन, अल्लाह पे भरोसा रहो। तो आप कितनी भी बड़े माहिर हो कोई भी फन के, अल्लाह के बिना यो ज़ीरो। तो वो सवालात कैसे फिर वो आपके जहन में है? जी हाँ, तो पहला ये सेकेंड फार्मूला है, अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अनकबूत में सूरह नंबर 29 आयत नंबर 69 में, अगर आप अल्लाह के राह में जिहाद करेंगे, जिद्दोजहद करेंगे, तो अल्लाह ताला आपके रास्ते खोल देगा। तो जिद्दोजहद करना इम्पोर्टेंट है, ये नंबर टू है। जिद्दोजहद करो, पहला अल्लाह पे भरोसा करो, अल्लाह की मदद हासिल करो, सेकंड जिद्दोजहद करो। और अगर आप जिद्दोजहद करते आपको सफलता नहीं मिलती तो अल्लाह को दोषी मत ठहराओ, आपका जिद्दोजहद सही नहीं है। सही है, क्योंकि अल्लाह ताला का वादा है आप जिद्दोजहद करेंगे अल्लाह ताला रास्ते खोलेंगे। अगर रास्ते नहीं खुल रहे तो आप पे गलती है। सही, आप समझ रहे आप जिद्दोजहद कर रहे लेकिन नहीं कर रहे, तो नंबर टू हो गया। नंबर थ्री सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 43 और सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 7 में अल्लाह ताला फरमाते फसअलु अहले ज़िक्री इन कुंतुम ला तअलमून, अगर आप नहीं जानते उससे पूछो जो वो फ़न का माहिर है अहले ज़िक्र से। तो अगर आप साइंस के बारे में जानना चाहते हैं साइंटिस्ट को पूछो, फिक्र के बारे में जानना चाहते हो फकीर को पूछो, तो आस्क एन एक्सपर्ट, चाहे वो एक्सपर्ट नॉन मुस्लिम हो। तो नंबर वन अल्लाह की मदद, अल्लाह की मदद हासिल करने के लिए आपको जो भी अल्लाह के अहकाम है कुरान में उसमें करना चाहिए, उसके बाद जद्दोजहद करना चाहिए, उसके बाद एक्सपर्ट को पूछना चाहिए। तो जब मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा और तहकीक करने लगा तो अल्हम्दुलिल्लाह चंद दिनों में मुझे जवाब आ गया। लेकिन फिर वो जो 14 फाइल मैंने डाउनलोड किया था, क्योंकि मुझे तो टॉपिक है कुरान एंड द बाइबल इन द लाइट ऑफ साइंस, टॉपिक इज नॉट विलियम कैम्बल्स बुक। अगर विलियम कैम्बल की बुक ही टॉपिक होती थी तो ख़त्म, मैंने पूरी बुक पढ़ लिया, उसका जवाब है, तो प्रॉब्लम ही नहीं। वो कुछ भी पूछ सकता है, वो नई चीज़ लेके आ सकता है इंटरनेट से। और आज की तारीख में जब से इंटरनेट शुरू हुआ 1990s के एंडिंग के बाद, इस्लाम को अटैक करना बहुत आसान हो गया। आप जाओ कोई भी वेबसाइट के ऊपर, एंटी इस्लाम की वेबसाइट पर डाउनलोड करो, आपको सैकड़ों अटैक्स मिलेंगे, चाहे कुरान के अंदर अरबी गलतियाँ निकालेंगे, है तो नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, साइंटिफिक गलतियाँ निकलेंगे, कॉन्ट्रडिक्शन दिखेंगे। अगर आपको डिबेटिंग का फन नहीं है तो आप जवाब ही नहीं दे पाएंगे, आप बहुत बड़े आलिम होंगे लेकिन डिबेटिंग अलग फ़न है। सही है, एग्री। तो डिबेटिंग के लिए इल्म की ज़रूरी है, लेकिन मोर इम्पॉर्टेंट इज दैट यू शुड नो हाउ टू हैव डिबेटिंग स्किल्स। तो जहाँ तक विलियम कैम्बल की किताब का सवाल था, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह 4-5 दिन में प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, लेकिन वो जो 14 फाइल डाउनलोड किया था मैंने अटैकिंग इस्लाम, उसके आंसर ढूंढने में तो वक्त लग गया। माशाल्लाह विलियम कैम्बल ने अपने बुक के बारे कदम रखा नहीं, वो समझा बुक उसकी अल्टीमेट थी, 8 साल तक कोई जवाब नहीं दिया, ये आके क्या जवाब देगा। तो मेरा तो जवाब तो पूरा तैयार था माशाल्लाह, वक्त की किल्लत थी, तो वक्त की किल्लत। तो डिसाइड डॉक्टर साहब कि कौन जीता, ये आवाम कर रही होती है, आवाम देखने वाला, तालियां देखने वाले, देखने वाला कि भाई ये है। तो उनके तरफ से एक चेयरमैन था, हमारी तरफ से एक चेयरमैन था। ऐसा तो नहीं है कि क्रिश्चियनिटी ने बोला हो कि विलियम कैम्बल जीता, मुझे लगता नहीं कोई बोल सकता, खुद ही जब शिकस्त मान ली स्टेज पे, खुद मान ली, खुद ही उन्होंने मान ली, बोले डॉक्टर साहब का लेक्चर सुनने के बाद मुझे बाइबल वापस से पढ़ने पड़ेगा। उसका जो गोरा चेहरा लाल हो गया था, ये शिकस्त, तो उसने तो शिकस्त मान ली। तो कोई ऑडियंस में अगर बोला फिर भी विलियम कैम्बल जीता तो वो बेवकूफ इंसान, हाँ नहीं, ये तो फिर क्लियर हो गई। तो एक होता है नॉकआउट पंच, नॉकआउट पंच, एक होता है विनिंग विद पॉइंट्स, एक होता है यूनानिमस डिसीजन, एक होता है नॉकआउट पंच, तो ये डिबेट तो नॉकआउट, एक होता है उल्टा करके मिर्चों की धुनी देना, आपने वो किया है। तो लोग को, काफी लोग को ये बोले अरे डॉक्टर साहब ने क्या ना बेचारे को वो ज़ईफ इंसान को बहुत मारा, मैं बोला अरे ज़ईफ इंसान तो इस्लाम के खिलाफ, तो ऐसे कमेंट सुनने मिले, अरे जरा तो लिहाज करना था, लिहाज करना, 8 साल तक के PhD में उसको अरबी ज़बान जानता था, ओ आप समझे ना, जी जी। तो लेकिन वो देखेंगे आप चेहरा उसका गोरा चेहरा एकदम स्टार्टिंग में तो आ गया, एकदम मुँह लटक गया उसका, एकदम लाल हो गया, आप देखेंगे डिफरेंस ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह, उसी तरीके से आप देखेंगे जब नॉनवेज डिबेट में इंडियन वेजिटेरियन कांग्रेस का प्रेसिडेंट ज़वेरी, अच्छा बोलता है आई हैव टू गो, आई हैव एन अपॉइंटमेंट, अरे डिबेट चल रहा है, प्लानिंग हो गई, तुमने मुझे चैलेंज किया
टाइमिंग फर्स्ट है, अभी डिबेट खत्म ना, मुझे जाने का मेरा अपॉइंटमेंट है, अभी क्या हो सकता है इसका, नहीं भागना। तो ये तो एकदम डिबेट है, वो मुझे चैलेंज कर रहा है, बोलता मैं मेरी ऑर्डर ले बोले क्या भाई, ये टाइमिंग सेट हो गई पूरी, अभी बाकी एक घंटा, बोलते अपॉइंटमेंट है। और उसका उसका चेयर, हर डिबेट में दो चेयरमैन होते, उसके तरफ से मेरी तरफ से, तो उसका चेयरमैन जो था एक सुप्रीम कोर्ट का लॉयर था, सुप्रीम कोर्ट का लॉयर। तो डिबेट के बाद मैं उनको फ़ोन किया, हो गई दोस्ती हो गई थी, तो क्या मुझे बोलता हूँ क्या, डॉक्टर जाकिर यू आर फर्स्ट सेंटेंस ऑफ योर लेक्चर व्हेन यू सेड दैट इफ यू प्रूव एन एप्पल इज बेटर देन एन मैंगो इट डजेंट मीन एप्पल इज प्रोहिबिटेड, यू स्लॉटर्ड हिम, यू वन द डिबेट इन वन सेंटेंस। डिबेट का टॉपिक था इज नॉन वेज फूड प्रोहिबिटेड और परमिटेड, ये नहीं था कि नॉन वेज बटर है का वेज ब्रेड है, टॉपिक था इज नॉन वेज प्रोहिबिटेड और प्रोहिबिटेड। तो वो पूरे डिबेट में प्रूफ करा वेजिटेरियन इज बेटर, वेजिटेरियन इज बेटर, और टॉपिक ये नहीं था विच इज बेटर, टॉपिक था इज नॉन वेज प्रोहिबिटेड फॉर अ ह्यूमन बींग। तो मैंने शुरू किया कि इफ यू प्रूव एप्पल इज बेटर देन अ मैंगो दैट डजंट मीन दैट मैंगो इज प्रोहिबिटेड। तो वो लॉयर, उसका लॉयर, उसने कहा यही एक जुमला खत्म कर दिया। मैंने बोला वन सेंटेंस आई वन द डिबेट, यस, बट फिर भी मैं टाइम तो है भाई, फिर अपन ये नॉकआउट पॉइंट दे रहे थे, पूरी खाल उतारनी है। डॉक्टर साहब, माँ को अपनी सारी औलादें अच्छी लगती है, आपकी वन टाइम ऑल टाइम सॉरी फेवरेट स्पीच जितनी भी हुई है उसमें अगर आपसे मैं पूछूं कि आपकी फेवरेट स्पीच एक बता दें कि यार ये फेवरेट है, वो कौन सी फेवरेट स्पीच? मेरी स्पीच, यस, आपकी जितनी भी। एक डिबेट के अंदर, डिबेट में देखिए तो जो यूनिक होता है, विलियम कैंपबेल और एक श्री श्री रविशंकर, ये दो डिबेट के अंदर अपनी अपने अलग अलग लेवल के दो, इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, इन टर्म्स ऑफ टॉक ऑफ कोर्स मेरा सबसे लॉन्गेस्ट स्पीच थी इज द कुरान गॉड वर्ड जो मलेशिया में थी, जो सबसे लॉन्गेस्ट प्रोग्राम था, 6.5 घंटे का कंटिन्यूस लॉन्ग स्टॉप। अच्छा अच्छा अच्छा, 2.5 आवर्स का लेक्चर था, सबसे बड़ा लेक्चर मेरी जिंदगी पब्लिक में जो दिया मैंने, और क्वेश्चन आंसर 4 घंटे के ऊपर था। तो उसके अंदर ऑफ कोर्स इट वाज अ लॉन्ग स्पीच एंड विद वैरायटी थी, तो हर स्पीच के अलग 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 फ़ायदे हैं। तो डिबेट में जैसा मैंने कहा कि विलियम कैम्बेल एंड श्री श्री रविशंकर के अपने अपने इंपॉर्टेंस है। बाद में स्पीच में अगर आप देखेंगे दावती मैदान में, तो दावा डिस्ट्रक्शन है, दावती मैदान में मुसलमान को इंस्पायर करना कि दाई बनो, वो दावा डिस्ट्रक्शन है। लेकिन इन टर्म्स ऑफ कंटेंट वाइज एक स्पीच है कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इन मेजर वर्ल्ड रिलीजन, जिसके अंदर मैंने जिक्र किया हिंदुज़म का, क्रिश्चियनिटी का, जुडाइज़म का, सिखिज़म का, पारसीज़म का, तो उसमें वैरायटी बहुत है, उसमें तकरीबन यू नो 150-170। एक सवाल और आ रहा है कि जितनी भी किताबें हैं डिफरेंट रिलीजन की, उनमें सबसे मुश्किल आपको कौन सी लगी कि यार ये मुश्किल है समझने में, या उनके जो भी रेफरेंसेस निकालने में कि यार ये डिफिकल्ट है, बाइबल है, यजुर्वेद है, भगवत गीता है और डिफरेंट किताबें हैं, उनमें सबसे डिफिकल्ट का मतलब डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स होते हैं। सही है, अगर आप बोले डिफिकल्ट इन द वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग कंप्लीटली इट इज द कुरान, इजिएस्ट एंड डिफिकल्ट दोनों, इजिएस्ट बुक टू अंडरस्टैंड इज द कुरान, मोस्ट डिफिकल्ट इज कुरान, बोलिए ऐसा कैसा, क्योंकि कुरान इज द मोस्ट अनट्रांसलेटेबल बुक इन द वर्ल्ड, अनट्रांसलेटेबल मतलब वो आयत कुरान की है एक आम इंसान को भी माशाल्लाह ही इम्प्रेस्ड, और एक इंटेलेक्चुअल भी होगा, तो एक कुरान की आयत के मल्टीपल मीनिंग है, वो एक ऐसी वाहिद किताब है कि आप जितने बार पढ़ेंगे उतने बार आप माने, अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा पहली बार पढ़ेंगे पसंद आएंगे, दूसरी बार पसंद आएंगे, तीसरी बार, 100 बार, और तो बहुत डिफिकल्ट क्यों, जो किताब को अब एक दो बार पढ़ गए और आपको और इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेंगे तो आप वापस पढ़ेंगे नहीं, उसका मतलब सबसे ईजीएस्ट भी है सबसे डिफिकल्ट भी, क्यों, आप 100 बार पढ़ो और इन्फॉर्मेशन मिलेंगे आपको, ऐसी कोई भी किताब दुनिया में नहीं, आप 4-5 बार पढ़ो उसके बाद फायदे क्या पढ़ के, सही, कुरान एक ऐसी, इसलिए बोले डिफिकल्ट भी, ईजीएस्ट भी, इंटेलेक्चुअल भी, फॉर अ लेमैन ऑल्सो, तो ये अल्लाह ताला इज द ऑथर ऑफ द बुक, ही नोज द ह्यूमन बींग, बाकी सब किताब इज ह्यूमन वर्क, वो शुरू होगी स्टार्टिंग में देयर वाज अ गर्ल एंड बॉय, और पूरी स्टोरी टाइप होगी कंटिन्यूस, समझे, बचपन में हुआ, बड़ा हुआ, हीरो में हीरोइन थी, कुरान इज द वर्ड ऑफ अल्लाह सुभान व तआला, बेशक वो सेम स्टोरी 7 अलग बार दी गई है,
हाँ इबलीस और हाँ आदम अलैहिस्सलाम की कभी बीच में आ जाएंगे तो इट इज़ लाइक अ ह्यूमन माइंड हाउ इट वर्क्स. सो इट्स द इजिएस्ट एंड द सिंपल मोस्ट इम्प्रेसिव. सो इट्स अ यूनिक बुक कुरान अल्हम्दुलिल्लाह. एक डिबेट ऐसी है जिसमें मुझे लगा कि आपके साथ ज्यादती हुई है, आपको टाइम नहीं दिया गया है, जिसमें शाहरुख खान भी बैठा हुआ था और बरखा दत्त जो होस्ट थी और लिबरल्स किस्म के मुसलमान बैठे हुए थे और आप भी बैठे हुए थे, आप रिप्रेजेंट कर रहे थे इस्लाम को. वो उसकी ज़रा कारगुजारी सुनाइए कि वो शाहरुख खान भी जो बैठे हुए थे और आपने मुझे बताया था पिछली दफ़ा कि वो भी आधा घंटा अलग से मुझसे मिलने आए और समझ रहे थे, उन्होंने क्या किया, वो शो में एडिट भी हुआ आपका पोर्शन, वो ज़रा बताइएगा. पहला वो डिबेट था, नहीं वो डिबेट नहीं था, वो टॉक शो था. टॉक शो था लेकिन सबके पॉइंट ऑफ व्यू से डिबेट के अंदर, लेकिन वो डिबेट हो गई थी डॉक्टर साहब, इख्तलाफ हो रहा है, कोई किससे कर रहा है, कोई किससे कर रहा है, उसको टॉक शो के अंदर आपस के अंदर आर्ग्यूमेंट हो रहा है, आर्ग्यूमेंट हो रहा है, नहीं डिबेट होता है फॉर्मेटेड, लेकिन डिबेट में भी चीटिंग होती है. फिर उस पर आता, फिर मैं ये आता शाहरुख खान के टॉक शो पे. जब भी ये प्रोग्राम जब होते, जब भी टॉक शो जब होते बड़े बड़े चैनल के ऊपर, उनका पूरा अक्सर इसके अंदर होता है एक चैनल की पॉलिसी. सही है, चैनल की पॉलिसी क्या है, मुसलमान के खिलाफ बात करना, मुसलमान की फेवर क्या है, स्क्रिप्टेड डिसाइडेड, स्क्रिप्टेड नहीं डिसाइडेड, स्क्रिप्टेड वाले अलग होते हैं. सही, ये बिग बॉस होता है वो स्क्रिप्टेड होता है. सही है, मैंने एक भी हिसाब देखा नहीं बिग बॉस के, एक भी शो देखा, लेकिन फॉर्मेट पता है आपको, लेकिन वो पता है वो जो अब्रॉड के अंदर बिग ब्रदर उसका फॉर्मेट पता है, देखा नहीं, टाइम ही नहीं मेरे पास. वो स्क्रिप्टेड होता है, स्क्रिप्ट होकर बोलते तुम झगड़ा करो, थप्पड़ मारो, मिर्ची फेंको, ये करो वो करो, गाली दो, स्क्रिप्टेड. टॉक शो में क्या होता है, आप एक इंसान को बुलाते हो जो स्पेशलिस्ट है, लेकिन वो जो एंकर रहता है वो उसको मैनिपुलेट कर सकता है. और हम लोग मीडिया के आदमी हैं, चीज़ों को समझते हैं. उसके बाद मैंने तय कर दिया, अगर मैं जाऊंगा कोई भी शो में, एक होता है वन टू वन इंटरव्यू, उसमें भी कम जाता हूं मैं, लेकिन अगर शो है तो कोई भी अगर चैनल है जो स्पेशली नॉन मुस्लिम है, वो शो में मैं नहीं जाऊंगा जब तक मेरे खुद के कैमरा ना हो, नहीं मेरा फॉर्मूला बन गया. आजकल वैसे तकरीबन इस्लामिक स्कॉलर इस चीज पर अमल कर रहे हैं, ये पाकिस्तान में भी ना ये इस चीज पे कि यार हमारा भी कैमरा लगेगा इस चीज पे, ये है कि यार कुछ हो जाता, लेकिन है कोई भी टॉप वाले चैनल अक्सर अग्री नहीं करेंगे, नहीं करेंगे. तो ये जो बरका दत्त का इन्विटेशन आया मुझे, बरका दत्त ने इन्वाइट किया, ऐसे ऐसे लोग आने वाले, तो मुझे जाने में इंटरेस्ट था नहीं, फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं. शाहरुख खान का पता था आपको? हाँ शाहरुख सब पता, शाहरुख खान, सवाली खान, कबीर बेड़ी आने वाले, तो मुझे पता था. तो लोग ने बोला अच्छा मौका है दावत का पैगाम पेश करने, तो मैंने बोला अच्छा मेरी एक शर्त है कि हमारे कैमरे भी आएंगे. आपके कितने कैमरे? तो बोले हमारे 5 कैमरे, और मेरे 7 कैमरे आएंगे. मैंने बोला उनके 5 या 6 थे, हमारे 7 या 8 थे. लोग किधर ये होटल में हो रहा है? तो बोले नो प्रॉब्लम, बोले हमारे कैमरे क्रू आएंगे, जो टाइमिंग है आपके उसके 3 घंटा पहले आएंगे. अच्छा, तो पहले बोले कि मैं पूछूंगी, ये करूंगी, मैं अभी कंट्री से पूछूंगी. आप बरखा दत्त से बात हो रही थी आपकी? हाँ, मेरा मैनेजर बरखा दत्त. सही है, आपके मैनेजर बरखा दत्त. मैनेजर बात कर रहे हैं, उनके मैनेजर. ठीक, थ्रू बरखा दत्त इज द एंकर, शी इज द मेन रहता है जो प्रोग्राम प्रोड्यूसर अलग होता है, अथॉरिटी इज, और अथॉरिटी अलग होता है, बट बरखा दत्त वॉज द लाइक अथॉरिटी एंकर है, उसका शो भी था, शी टू इन वन. सही, तो बोली नो प्रॉब्लम. मेरे मैनेजर को बोली पहला हिचकी चाची ने क्या जरूरत है, हम आपको कॉपी दे देंगे. मैं बोला नहीं, हमको हमारा चाहिए, उसके बाद जो करने का आपको, और आपको दिखाएं, देखो हमारा पीस टीवी हम भी दिखाएंगे. तो बोली हाँ, बोली उनने. तो 3-4 घंटे पहले मेरे लोग चले गए. हाँ अभी बेटा हमारा सेटअप होता है, फिर आपको देंगे चांस. अच्छा, 2 घंटा बाकी है. हाँ देते, 1 घंटा बाकी है, ठीक हमारा सेटअप होने, तो फिर आपको देते थे. टाइम हो गया, और सॉरी अभी जगह नहीं, इतना बड़ा स्टूडियो है, होटल में हो रहा है. तो ये जान के किया, एक हो सकता है मैं बोलूं भाई उठ के आ जाऊं, मुझे पता है इनकी नियत सही नहीं है, तो हो चुका है पहले, और 2-3 माह पहले हो चुका था. तो बोले ये मैं, मेरा वादा है कि मैं तुमको अनएडिटेड दूंगी, इमीडिएटली जब प्रोग्राम खत्म होगा तुमको दे दूंगी अनएडिटेड. ये बोला कॉपी करके. हाँ, आपको क्या जरूरत है? हमारा ठीक है, हमारे कैमरा उनसे बेहतर थे. हमें बोला नो. तो फिर मजबूरी में मैंने बोला अभी अच्छा मौका है दावती मैदान का, तो मैंने मान गया. बोलो जैसा प्रोग्राम खत्म होगा मैं आपको कॉपी दे दूंगी, आपको जो करने के करो.
और मैंने बोला भाई हम उसको दिखाएंगे नहीं, आपका शो है, आपके शो टेलीकास्ट होने के बाद हमें कुछ गलत लगा तो हम हमारा वर्जन दिखाएंगे, ये मेरा शर्त था। मैं नहीं चाहता हूँ कि आपकी शो के आप शूटिंग आज होती है, कभी कभी टेलीकास्ट दो दिन बाद होता है, कभी एक हफ्ते बाद होता है, कभी दो हफ्ते बाद होता है। तो मैं बोला भाई ये मेरा वादा है कि हम इसकी एक चीज़ को दिखाएंगे, लेकिन अगर आपने कुछ गड़बड़ की हम हमारा अनएडिटेड वर्जन दिखाएंगे। बराबर, नो प्रॉब्लम बोली उसने, और शो भी काफ़ी ये था, इसी लेबल पे था, आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन। तो शो हो गया, ख़त्म हो गया। हाँ मैं अभी देती हूँ, अभी कल देती हूँ, यहाँ का कॉपी करेंगे, टाइम जाएगा, मैं कल दे देती हूँ, दी नहीं। टोपी ड्रामे चल रहे हैं ये सब, उनका उनका मेन मकसद हक खरीदा ही नहीं। अक्सर कुछ अच्छे लोग तो हम लोग को मिला ही नहीं। और जब मैं फाइनल वर्जन देखा तो बहुत से मेरे आंसर्स कट किए, उसमें काट दिए उन्होंने, काट दिए आंसर को आधा दिखाए, तो भी अल्हम्दुलिल्लाह काटने के बाद भी इफेक्टिव था मेरा, इफेक्टिव था। आप नीचे कमेंट सेक्शन तो देखें, हाँ इफेक्टिव, शाहरुख खान को कोई नहीं पूछ रहा, सारा डॉक्टर ज़ाकिर नाइक से इफेक्टिव था, लेकिन बहुत से चीज को काटा, कान से आधा काटा, जो जवाब दे कभी दिखाई नहीं, तो अपने मतलब की चीज दिखाए, पूरा तो नहीं काट सकते क्योंकि मैं था लॉन्ग शॉट पे दिख रहा हूँ, मैं लॉन्ग शॉट पे दिख रहा, तो इवन अगर उनने 20% 25% भी काटे या जितना भी काटे, मेन मेन चीज काट देंगे तो फर्क हो सकता है, आप समझे ना। तो बहुत से मेरे लॉजिकल पार्ट जो थे ना आंसर के, उन्हें काटे, तो इस पर मुझे बहुत अफसोस है। अभी क्या कर सकते हैं, अभी क्या केस करेंगे। हमने एक और एक काउंटर शो किया, टीवी टॉक एंड एनालिसिस, एक फेमस स्टूडियो में, उससे बड़ा स्टूडियो लिए, और वो हमने उसके ऊपर पूरा, फिर मैंने एक दो घंटे का प्रोग्राम किया, और उस पर आपने क्लेरिफाई किया टीवी एनालिसिस बोल के, क्या हुआ था फारूक शेख के साथ, मर्द हो तो ऐसा क्या हुआ था बरखा था, और क्या होता, आपको एहतियात लेना चाहिए, आपको बेवकूफ़ नहीं बनना चाहिए। तो इसीलिए कोई भी उलमा खाली चैनल पे जाते, आपको एहतियात लेना चाहिए, अगर आप एक्सपर्ट है अलग बात है, किस तरीके से जवाब देना चाहिए, वो अक्सर बातें लोग अभी। और वो क्या था जो शाहरुख खान आपके पास वापस आया और वो आधा घंटा बैठा? नहीं नहीं, वो तो प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद सब लोग साथ में मिलते थे, चाय पी रहे थे, सब अलग बात है। तो पता चला कि माशाल्लाह काफ़ी लोग जानते हैं, मेरे वीडियो का सर देखते हैं, बाकी फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह। तो और फिर उन्होंने ट्वीट किया, क्या है डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ऐसा, वो ट्वीट किया उसने शाहरुख ने, हाँ उधर से ना भैया, वो तो एग्जैक्ट मुझे पता नहीं क्या ट्वीट किया उसने। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो उस टाइम फिर एक्सचेंज हुए मोबाइल नंबर हो सब, फिर बोले आओ कभी। आप रबते में हैं अभी भी? एक्चुअली नहीं, उसके बाद मिला, मुलाकात हुई थी एक दो बार एयरपोर्ट के ऊपर का मुलाकात हुई थी। कहाँ पे? एयरपोर्ट के ऊपर, एयरपोर्ट किस जगह पे? आई थिंक बॉम्बे एयरपोर्ट पे। अच्छा, जब मैं जा रहा था वो आ रहा था। तो वो क्या बात करते हैं जब शाहरुख खान आपसे मिलते हैं, तो किस चीज़ पे बात करते हैं? नहीं, कोई इस्लाम समझने पे बात करते हैं या कोई चीज़ क्यूरियोसिटी होती है कि समझा जाए? नहीं, उनने मुझे एक चीज़ पूछी जो ऑफ द दिस, ऑन द शो तो मैंने बात किया, ऑफ द शो उनने मुझे पूछा कि अगर एक मुसलमान दाढ़ी नहीं रखता है क्या इम्पोर्टेंट है रखना, कि दाई रखे थे नहीं मुसलमान होता था फिर मुसलमान होता। तो मैं बोला डिपेंड आपको कितना मार्क्स चाहिए, अगर आपको एक एग्जामिनेशन में पास होना है वो अलग बात है, एक होता है कि आपको सेकंड क्लास आना, एक फर्स्ट क्लास, एक डिस्टिंक्शन। सब अमान में से तो सला सबसे इम्पोर्टेंट है, दाढ़ी ने वो दाढ़ी भी इम्पोर्टेंट है, चारों हदीस में लिखा है। तो दाढ़ी नहीं रखे तो आप फेल है, जहन्नम में जाएंगे ऐसा का नहीं, क्योंकि वो मेजर सिन नहीं है। लेकिन अगर आप स्कोर करना चाहते हैं 95 के ऊपर तो ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बोले अरे वाह वाकया जवाब है। तो मैं बोला कि भाई अकॉर्डिंग टू ऑल द फोर स्कूल्स ऑफ थॉट इट इज़ कंपलसरी, बट नए रखे तो ऐसा नहीं कि आप जहन्नम में जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं, जितना चांसेस चाहते हैं कि जितने ज़्यादा छोटे छोटे पॉइंट्स कलेक्ट करेंगे तो आपके जन्नत में जाने के चांसेस बढ़ते हैं। जी जी, तो इट्स अ रिक्वायरमेंट, अल्लाह के रसूल की हदीस है, इस्लाम के हिसाब से फ़र्ज है, लेकिन नए रखने से जहन्नम कंपलसरी नहीं है। तो वो उसका समझ है, हाँ तो बोला ठीक है, इसको पॉइंट्स मिलने पर डिपेंड होता है। हाँ क्या शिर्क है? मतलब शिर्क नंबर वन शिर्क। तो उस बात पे काफ़ी गुफ्तगु हुई, समझे ना, और वी कैन कम टू माई हाउस एंड कैन स्पीक। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो ऐसे ऐसे मौके कई मिलते हैं जो फिल्म इंडस्ट्री से चाहे बात करने मिले या होता है, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि इन लोगों की इन्फ्लुएंस है,
नीचे तक है। अगर कोई चीज अमल शाहरुख खान करेगा और आपकी वजह से करेगा, आपको तो यकीनन इस चीज का अल्लाह सवाब देगा, लेकिन शाहरुख खान की इन्फ्लुएंस इतनी है कि लोग भी करेंगे नीचे। अच्छा डॉक्टर साहब, जब मैं आपके पास आ रहा था, कुछ मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन थे लोगों के, अगर आप इजाजत दें, क्योंकि कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल भी हैं कि मैं चाहता हूँ कि जरा कुछ क्लेरिफाई भी कर दें। सबसे पहले यजीद के मसले पे मैं लाना चाह रहा हूँ आपको कि इस पे बहुत डिस्कस हुआ और आपका भी क्लिप आया कि शिया हजरात मेरे फैन और मुझसे बड़ी मोहब्बत करते थे, लेकिन वो गिला करना शुरू हो गए, नाराज होना शुरू हो गए मुझसे कि ये क्या कह दिया आपने। तो ये ज़रा क्लेरिफाई करें, आपने दो शहजादों की जंग कहा करबला को और यजीद, इसमें क्या था आपका या क्या मकसद है, ये ज़रा क्लेरिफाई करें। एक चीज़ समझ लो कि दाई का एक मकसद होता है कि जहाँ तक के अपनी मेन दावती मैदान है उस पर फोकस करें, जो चीज़ मेन नहीं है, एंसिलरी है, मतलब दूसरे कोई टॉपिक पे है, मिसाल के तौर पे पॉलिटिक्स की, वो सही है गलत है, कोई भी कंट्रोवर्सी पे लेके अपने मेन फोकस से हटना नहीं चाहिए। सही, लेकिन लेक्चर में मैं कोशिश करता हूँ वो हक की बात सही या गलत वो आजू में, उससे अगर दावती मैदान में कोई फ़ायदा नहीं होता तो उसको अपने टॉपिक पे मत लेके आओ। आप समझे, वो टॉपिक पे जिस पे डिस्कस करके अपना मेन मुद्दा जो है दावती मैदान का, उससे नुकसान के ज़्यादा चांसेस है तो उसको जिक्र ही नहीं करना चाहिए। आप समझे, ये रूल है। लेकिन उस वक्त क्वेश्चन आंसर पे कोई क्वेश्चन पूछ लेता है, वो एक तकरीर ख़त्म होने के बाद हमारे पीस कॉन्फ्रेंस में एक हिंदू ने कोई सवाल पूछा और सवाल पूछते पूछते इस्लाम को प्रेस करने के तरीके में उसके बारे में कह दिया, तो ये जो कंट्रोवर्सी थी उसका जवाब तो पूरा मैंने मुकम्मल दे चुका है और कंट्रोवर्सी ख़त्म हो गई। अगर वन लाइनर इसको अब ये वापस से लेके आएंगे, मैं जवाब फिर से दूंगा तो कुछ फ़ायदा नहीं। इसका फ़ायदा ये है जिससे नहीं, इसका फ़ायदा क्या है जी जी, इसका क्या फ़ायदा क्या है, क्यों आपको देखना चाहिए। मिसाल के तौर पे, मिसाल के तौर पे कौन मुझे पूछता है क्या ये साइंस के बारे में, मैं डॉक्टर हूँ, एक साइंस के बारे में कोई क्वेश्चन है एग्जाम्पल, जिससे कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं, लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल ये कोविड था, ये एक्चुअल था कि बेकअप था, जो भी है, उससे मेरे दावती मैदान से लेने देना क्या है। एक ग्रुप मानती है कोविड वॉज प्लान्ड बाय चाइना, एक ग्रुप मानती है कोविड वॉज प्लान्ड बाय यूएसए, एक बोलती क्या ये नेचुरल फिनोमेनन। तो जो मेरे दावती मैदान से, मैं डॉक्टर हूँ और मैं जानता भी हूँ जवाब, मैं देख के मैं डिवाइड क्यों करूँ, तो ये हिकमत है। कुरान के आयत सूरह नहल में सूरह नंबर 16 आयत नंबर 125, उदु इला सबील रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़ा हसना वजाद मिलती हसन, इनवाइट ऑल टू द वे ऑफ द लॉर्ड विद विजडम एंड ब्यूटीफुल टीचिंग एंड आर्ग्यू विद देम एंड रीज़न विद देम इन द वे इज़ द बेस्ट मोस्ट ग्रेशियस। अभी ये मुद्दा आ गया, ये मुद्दा को पूरा जवाब दिया, हर एक को जवाब दिया, ये खत्म हो गया। अभी 2007 का काम था, हाँ अभी आप पूछे 17 साल बाद, मैं बेवकूफ़ जवाब दूंगा आप इससे, आपको देखने का यूट्यूब पे मिल जाएंगे आपको जी, जरूरी का नादिर ली से सुने सही सकते, मैं जवाब फिर से दे सकता हूँ। एग्री ये बेवकूफ़ी है, क्योंकि वो मुद्दा खत्म हो गया अभी, इट इज़ नॉट एट ऑल डीलिंग विद एनीथिंग ऑफ द मेन पिलर्स ऑफ इस्लाम। सही, अभी फिर से नहीं कॉन्ट्रोवर्सी, अभी बहुत से शिया मेरे फैन है, आप क्यों उनको मेरे से दूर लेके आना चाहते हैं। अल्लाह मैं लोग क्या होता है, आपका शो ज़्यादा देखेंगे, मुझे ज़्यादा मुझे शो देखने मुझे फिक्र ही नहीं, अल्लाह ने इतनी दिया है जी जी, मुझे फिक्र है कि आखिरत में कब मिलेगा। तो यू एज अ मुस्लिम ऑल्सो शुड सी टू इट कि आप अगर शो कर रहे तो आपको सवाब कम ही ज़्यादा मिलेगा। अगर मुझे यहाँ मेरी व्यूअरशिप 1 मिलियन बढ़ जाएंगे लेकिन आखिरत के अंदर 1 मिलियन पॉइंट कम होंगे, तो आप आखिरत की ज़्यादा फिक्र बेशक हो, देखिए जवाब तो मैं दे सकता हूँ, मैं किसी डरता भी नहीं माशाल्लाह, बराबर ना। लेकिन ये इट्स अ इशू विच इज फिनिश आंसर्ड। मेरी नीयत यही थी डॉक्टर साहब कि इस चीज़ को आप कोई वन लाइनर जवाब दें तो मैं भी वो एक जरिया बनूँ आपका। और वन लाइनर जवाब है कि कुरान में शिया सुन्नी जैसा वर्ड ही नहीं है। नहीं है, कुरान की आयत सूरह इमरान की सूरह नंबर 3 आयत नंबर 3 वा तसीमु बि हब्लिल्लाह जुमा वला तफरकु होल्ड स्ट्रांगली टू द रोप ऑफ अल्लाह एंड बी नॉट डिवाइडेड। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो और आपस में मत बटो। अल्लाह की रस्सी कुरान हदीस है। तो मेन मेरा मकसद रहा है कि जितने भी मुसलमान में फ़िरके हैं, कोई फ़िरके में काफ़ी करीब है, कोई दूर है,
कोई कुरान हदीस से दूर है, सब मुसलमान को जुड़ना चाहिए कुरान हदीस में, ये बेस्ट है। और जितने फिरके हैं उसको आप आग नहीं दिलाना लगाना चाहिए। इसीलिए आप पूछेंगे मैं कौन हूँ, मैं बोलूँगा मुस्लिम हूँ। मैं क्यों कौन हूँ, मैं शाफी हूँ, हम्बली हूँ, मलकी हूँ, शिया हूँ, सुन्नी हूँ, हम्बली हूँ, चाहे जमात इस्लाम। कौल इन्नी मिनल मुस्लिम, अल्लाह कहते हैं कुरान में अपने आप को मुस्लिम कहो, कई बार है, 10 बार से ज़्यादा कुरान में कहा नहीं। अपने आप को सलफी कहो या अपने आप को बरेली कहो या देवबंदी कहो, या हम अल्लाह अल्लाह के रसूल को मानते हैं मुसलमान, इसीलिए वी गो एंड मीट एवरीवन। हम जितने भी मुसलमान इस्लाम में फिरके नहीं होना चाहिए, बढ़े मैं सब लोग से मिलता हूँ, कॉमनलिटी पे आता हूँ, ताला विला कलिमत सवाई मिल जो कॉमन है उसके ऊपर करेंगे। आप कुरान कॉमन है, अल्लाह कॉमन है, रसूल कॉमन, उन पर बात करेंगे। जो चीज़ डिफरेंट है ठीक है, हम क्या करते हैं जो 10% डिफरेंस है उसके ऊपर लेक्चर ही देते रहते। मैं वो तो 90% कॉमन है, 80% कॉमन, उस पर बात करें। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा कुछ 2-3 सवालात हैं डॉक्टर साहब, वो मैं चाह रहा हूँ ज़रा शॉर्टली अगर आप उसके, क्योंकि एक पूरी म्यूज़िक फर्टर्निटी मेरे साथ बैठी हुई थी, उन्होंने कहा यार डॉक्टर साहब से सिर्फ ये पूछ लो म्यूज़िक हलाल है या नहीं, इस चीज़ का अगर आसानी से ज़रा। म्यूज़िक जो जनरल म्यूज़िक है, इंस्ट्रूमेंट है, एक्सेप्ट फॉर डफ, वन साइडेड डफ, उसको छोड़ के बाकी म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स हराम है, इन शॉर्ट। उसके ऊपर काफ़ी तकरीर है मेरे। तो अगर आपको इम्पैक्ट देना है, फॉर एग्जांपल हमारे पिच टीवी पे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होते, सही है, लेकिन म्यूज़िक के बहुत से फ़ायदे हैं, बहुत से नुकसान भी है, उसके ऊपर डिस्कस मैंने किया। बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आपको इम्पैक्ट करने का है तो आप एक शरिया कंप्लाइंट साउंड इफेक्ट्स कर सकते हैं। शरिया कंप्लाइंट साउंड इफेक्ट मीन्स वी कैन यूज़ योर वॉइस हलाल, यू कैन टेक नेचुरल साउंड्स लाइक थंडर, लाइक रेनिंग, लाइक विंड। तो इसकी पूरी एक लाइब्रेरी आती है। तो हमारे पीच टीम में वी हैव मेड लॉट ऑफ साउंड इफेक्ट्स विच आर हलाल। तो म्यूजिक पर से इज हराम, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एक्सेप्ट फॉर वन साइडेड डफ, डफ के अलावा सब हराम है। गिटार हो, फ्लूट हो, पियानो हो, ये सब इंस्ट्रूमेंट्स, उसमें कई हदीस है, अक्सर मेरा सा मुँह में जस्टिफाई, बट सही हदीस से काफ़ी साबित है कि द टाइम विल कम जिसके अंदर अल्कोहल, गैमलिंग, म्यूजिक, पीपल विल मेक इट हलाल। तो अल्कोहल, गैमलिंग, म्यूजिक, पीपल ने हलाल, तो वो हदीस से कई साबित होता है कि इवन अल्कोहल, गैमलिंग एंड म्यूजिक विल बी हलाल। सो इससे साबित होता है कि एंड ऑफ टाइम आएंगे, और कई हदीस है। तो म्यूजिक पर से एक्सेप्ट फॉर वन साइडेड डफ, जो अल्लाह के रसूल ने कहा कि अगर ईद का मौका है या वेडिंग है उसमें कोई डफ प्ले करता है, सो नो प्रॉब्लम, अल्लाह के रसूल। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी हबीब से भी अभी मुलाकात हुई थी। किससे? हबीब बॉक्सर। हाँ जी हाँ। तो वो थोड़ा सा कुछ शेयर करेंगे, उसमें क्या बात हुई या उसने आपसे क्या बात की? हबीब हबीब नर्वो का तो वो बॉक्सर नहीं, वो यूएफसी फाइटर, मिक्स मार्शल आर्ट। अच्छा, मिक्स मार्शल आर्ट, बॉक्सर अलग होता है। सही है, सही, मिक्स मार्शल आर्ट अलग होता है। सही है। तो यूएफसी का, यूएफसी का फाइटर है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, वो रशिया से है अल्हम्दुलिल्लाह। और उनकी मुलाकात सबसे पहले बार मेरी हुई थी दोहा कतर में 2022 में, वर्ल्ड कप के पहले। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी मुलाकात हुई, और मुझे खुशी हुई कि अक्सर जो मुसलमान सेलिब्रिटी होते हैं जी, बहुत कम दीन के करीब होते हैं। सही कह रहा। तो उनसे जब मुलाकात हुई, बाद में उनके फ्रेंड से इस्लाम मखचौफ, वो भी माशाल्लाह, तो खुशी हुई कि उनके दीन का काफ़ी इल्म था और दीन के बारे में काफ़ी जज्बा है अल्हम्दुलिल्लाह, और वो दीन के जज्बे से काफ़ी मुतासर हुआ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारी दोस्ती काफ़ी करीब हो गई उसके। डॉक्टर साहब, मैं आया हूँ पाकिस्तान से जी, और ऐसा मुमकिन नहीं है कि मैं आपके लिए कुछ ले के ना आऊँ, क्योंकि एक अंग्रेज़ी की सेइंग है, वी कैन चूज आवर फ्रेंड बट वी कांट चूज आवर नेबर। तो पड़ोसी तो बहरहाल हम हैं। तो मैंने सोचा कि आपके लिए क्या लेके जाऊं, तो खुशबू से अच्छा ऑप्शन मुझे ना मिला, तो ये एक आपके लिए तोहफा लाया हूँ मस्कल महल की जानिब से, नॉन अल्कोहलिक अतर। अतर आप यूज़ करते? जी हाँ जी, ऑफ कोर्स। ये ब्लैक एंड सिल्वर प्लेटिनम और द ग्रेट टूथ, ये ज़रा आप कबूल कीजिएगा, ये अक्सर ज़रा देखिएगा द ग्रेट टूथ।
ब्लैक एंड सिल्वर प्लेटिनम बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप वो शख्सियत है जिनसे बात ख़त्म पॉसिबल ही नहीं है कि हो जाए, लेकिन जाहिर है एक वक्त है, आपका भी वक्त बहुत कीमती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपने इतने शॉर्ट नोटिस में, और फारिक का मैं खसूसी शुक्रिया अदा करूँगा कि उसने एक ब्रिज का किरदार अदा किया। और यहाँ पे मैं दो तीन लोगों का, अगर इफ़ यू अलाउ, मैं नाम लेना चाह रहा हूँ। एक तो मेरा बेस्ट फ्रेंड जैन सिद्दीकी, जिन्होंने आपको तारुफ़ कराया पहली दफ़ा और मैंने आपको देखा और आपको घोल के पी लिया। मतलब एक एक स्पीच हमें याद है, हम यूट्यूब पे मतलब फिल्में नहीं देख रहे, हम आपकी पूरी पूरी स्पीचेस देख रहे हैं। अंदाज़ा लगाए कि इतना ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा हुआ। फिर उसके बाद खान जी वाले हैं जो यहाँ पे मलेशिया में होते रहते, वो एक ब्रिज का किरदार अदा किया। फिर एक अरशद भाई हैं उनके साथ, उन्होंने किया। फिर फारिक ने तो एग्जीक्यूट ही करवा दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और होप टू सी यू इन पाकिस्तान सून इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको मज़ीद कामयाबियाँ, तरक्कियाँ, अल्लाह आपको जवाल नेमत से बचाए, अल्लाह आपको मज़ीद दीन का काम ले आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और इसका वतीनों हज़रात, इस पॉडकास्ट को ब्रेक लगाएंगे। डॉक्टर साहब, मैं अच्छी पॉडकास्टों के लिए एक बात कहता हूँ कि ये पॉडकास्ट मैं ख़त्म नहीं कर रहा, पॉज कर रहा हूँ। कहीं मौका मिलेगा तो रिज्यूम कर लेंगे डॉक्टर साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो। इस पॉडकास्ट को पॉज करेंगे इस दुआ, इस यकीन, इस अपने पन के साथ कि अपना और दूसरों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और द ग्रेट डॉक्टर जाकिर नाइक को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।